ठीक है, तो देखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता आदि अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आते हैं? उन्नीस बिल्कुल, उन्नीस आर्टिकल 19 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्यायिक निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार की बात करेंगे, 19 क में शामिल है। फिर भी स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए सूचना का अधिनियम 2005 सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। थैंक 19 का यू। निलंबन कब हो सकता है? 19 का निलंबन कब हो सकता है तो क्या बताएंगे? तो 19 का निलंबन की अनुच्छेद बात करेंगे तो जब के समय 352 के अधीन आपात की घोषणा के समय, ठीक है, किसके अनुसार आर्टिकल 19 का निलंबन आपको होगा, किसके अनुसार होगा? तो 358 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो जब 352 लागू रहा होगा तो 358 आर्टिकल्स के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल्स 19 का स्वतः ही निलंबन हो जाएगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं का सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकता है जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण को, न कि सशस्त्र विद्रोह। तीन कंडीशन में आपातकाल की घोषणा होती, युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। लेकिन यहाँ पे जब सशस्त्र विद्रोह होगा तो आपका आर्टिकल्स 19 का मतलब क्या होगा, क्या बोलते हैं, उसका विलोपन नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल्स 19 का विलोपन, ठीक है, आर्टिकल्स 358 के अनुसार तब होगा जब देश में 350 लागू हो। लेकिन 350 लागू होने का भी आधार क्या है? तो युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण हो, ना कि सशस्त्र विद्रोह हो। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। बाकी की बात करेंगे तो बाकी को खत्म करने के लिए 358 के बाद 329 359 आता है। कौन आता है? 359 आता है। लेकिन ये सारे आर्टिकल्स मिलकर भी किस किस पावर को, मतलब किस मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते हैं, कौन सी जो कि किस में अथॉरिटी दिए को गए हैं? सर, 20 क्या और इस 21 में जो दिया गया उसको नहीं समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 19 को समाप्त करने के लिए 358 है, बाकी सबको समाप्त करने के लिए 358 है, 359 है। लेकिन मतलब 20 21 किसी भी कंडीशन में, ठीक है, परिस्थिति कुछ भी होगी, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, आप इसको सर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक चीज जिक्र कर सकते हैं सर, 25 संविधान संशोधन जिसके थ्रू उन्होंने बोला था कि मतलब कोई भी कर सकते हैं, बट फिर जो बेरुवाड़ी मामला आया, फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर का जो मामला आया उसके थ्रू फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि आप 20 और 21 को तो किसी भी हालत में नहीं कर सकते हो खत्म। हाँ, बेसिक के स्ट्रक्चर में वो बात कही गई थी। ठीक है, ये मामला आई थी 1960 की थी, 1960 में बेरुबारी वाला था, 73 में केशवानंद भारती आ गया था, दोनों में मतलब थी, ये बेरुबारी में कहा गया था, नहीं है 1960 वाला में ना? बेसिक सर, स्ट्रक्चर वेरुवाई में थोड़ी आया था, 1970 में बेसिक स्ट्रक्चर खत्म लेकिन हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर की बात तो सर 1973 केशवानंद में हुई थी, 1973 में सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। सर। भारत की एकता और अखंडता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध उद्भेदन आदि आधारों पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निर्बंधन किया जाता है। ठीक है, तो इस मामले में आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, 19(2) के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लगाता है, जहां पर भारत की एकता और अखंडता, मतलब आप कुछ ऐसा बात नहीं कहेंगे जिससे मतलब क्या होगा, देश की एकता और अखंडता की मतलब क्या हो, उसमें मतलब चोट हो, उसको मतलब नुकसान पहुंचे, ऐसी बात नहीं कहेंगे जिसमें आपसी मतलब सद्भाव, ठीक है, ये सब मतलब माहौल खराब हो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसीलिए आप देखते हैं जहां पर माहौल खराब होने वाला रहता है तो कोई व्यक्ति जाता है वहां पे, तो पुलिस उनको पहले ही मतलब क्या करती है, माइक बंद कर लीजिए, रोक लेती है। ठीक है, बोलते से भाई साहब आपके आने से यहाँ पे क्या हो सकता है, लोक व्यवस्था क्या हो सकता है, खराब हो प्रभावित हो सकता है। सकता ठीक है, है, बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी, हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, हमारा रिलेशन ठीक ठाक है मतलब अमेरिका के साथ, अब दिन रात मतलब हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, फेसबुक पे कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी काम कर रहे हैं जिससे अमेरिका तक ये बातें जा रही हैं, हमारा रिलेशन उनके साथ खराब हो रहा है। जैसे हाल फिलहाल में एक मूवी बनी थी वरुण धवन की, और उस मूवी में मतलब इजराइल के बारे में कुछ कहा गया था, मतलब थोड़ा सा उसमें सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया था, जो कि मतलब यहूदियों का जो मतलब वो हुआ था ना नरसंहार, उसको सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया था, तो उसको लेकर भी इजराइल ने क्वेश्चन किया था। तो ये सारे चीज है जो कि आपको 19(2) के तहत मतलब आपको खत्म करता है, इन मामलों में आपके पास व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत तो क्या बोलते हैं उसको, स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, दूसरी बार आप मानहानि, ठीक है, मानहानि भी नहीं, आप किसी भी व्यक्ति को डिफेम नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते, जैसा कि अभी किसने किया था, मोदी सरनेम को लेकर कौन चर्चा में आ गए थे, डिफेमेशन का ही केस था ना, कौन हाँ आ सर, गए राहुल थे, गांधी को इसीलिए टैकल राहुल किया गांधी, गया तो वो था। आपकी बिल्कुल आपका व्यक्तिगत अधिकार नहीं, आप ये नहीं कह सकते यार मेरा तो व्यक्तिगत अधिकार, हम कुछ भी बोलेंगे, भाई तुम बोलो कुछ भी, ठीक है, ऐसा बात हो नहीं किसी को गाली दोगे। ठीक है, नहीं ध्यान सर, में इसको युक्ति रखेंगे। सर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज किया गया है, युक्ति युक्त निर्बंधन, तो वो सर हर बिल्कुल आर्टिकल के ऊपर लागू होता है। बिकॉज एक आप लिमिटेशन में रहेंगे, किसी भी चीज को बिल्कुल आपको एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके नहीं जाना है, यहाँ तक नहीं कि जाना है, आपको बिल्कुल ठीक है, अपने और यहाँ पर्सनल पे टर्म्स न्यायालय की में अवमानना भी नहीं। ठीक है, अभी श्योर सर, हाँ, और अभी न्यायालय हाल की फिलहाल में अवमानना भी न्यायालय की देखेंगे अवमानना किसके ऊपर किया गया था, जो न्यायालय ने 1 रुपया सात का फाइन भूषण लगाया था चर्चा में,
अब प्रशांत प्रशांत भूषण पे, ठीक भूषण। है। अब दिक्कत क्या था, हमारे जो चीफ जस्टिस है वो मतलब कोई बहुत ही शानदार मोटरसाइकिल पे ड्राइव ड्राइव कर रहे थे, उसी के उसने कुछ कमेंट कर दिया था, उसी के प्रशांत भूषण को 1 रुपया का दंड लगाया गया था, ठीक है। 20 में क्या है। हाँ सर, थोड़ा सा उसका एक चीज और एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन, कि जो न्यायालय की अवमानना होता है सर, उसका आर्टिकल मतलब उसमें संशोधन सर 1971 में किया गया था, और उसके थ्रू न्यायिक अवमानना को टू पार्ट में मतलब बांटा गया था, एक तो सिविल वाला और एक क्रिमिनल वाला, कि आप क्रिमिनल यदि वाला मेल। श्योर सर, और इसमें एक्सप्लेन करा चलेगा। गया था सर, मैं बस 1 मिनट में बोल दूंगा, कि इसमें ये एक्सप्लेन करा गया था कि जैसे न्यायालय ने कोई आदेश दिया है और आप उसके आदेश को नहीं मान रहे हो तो वो सिविल वाली हो गई है, लेकिन यदि सुनवाई हो रही है, जज साहब खड़े हुए हैं और आपकी सुनवाई हो रही है और आप वहाँ गाली गलौज कर रहे हैं या अव्यवस्था तो फैला रहे क्रिमिनल हैं हो कुर्सी जाएगा। को यहाँ, हाँ सर थैंक यू सर, यही है। आर्टिकल्स 20 में क्या है, 20 का सब क्लॉज 1 में क्या है, तो 20 के सब क्लॉज में किसी कानून को अतिकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना या आपराधिक कृत्य से संबंधित है, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा तब तक उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ठीक है, किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, सोचने के लिए दंड नहीं मिलता अपराध को सोचने के लिए, ठीक है, अपराध करने के लिए दंड मिलता है, आपको ये ध्यान में रखना, ये आपराधिक कृत्य से संबंधित है, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा तब तक उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण न किया हो, ठीक है, मतलब किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया। 20-1 में क्या है, तो 20 के सब क्लॉज 1 में है, दोहरे दंड से संरक्षण जो है आपको 20 के सब क्लॉज 2 में आपको देखने को मिले, क्या मिलता है, कहता है ये आर्टिकल, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, यह केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है, विभागीय एवं प्रशासकीय दंड दिया जा सकता है। 20 का 3 क्या कहता है, आपको चुप रहने के भी अधिकार है, इसके तहत आप देखोगे तो अपने विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को गवाही देने से संरक्षण है, ठीक है, किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, इसलिए कहते हैं थाना वगैरह में जो पुलिस थाने लोग जो मतलब जो गवाही वगैरह जो दिलवाते हैं, ठीक है, वो मतलब क्या होता है, तो वो आपका वैलिड नहीं होता, न्यायालय उसको बोलती है मतलब जो जो बात करेंगे जो थाना वगैरह में जो उनसे जो मतलब जो क्या बोलता है जो बोलवाया वगैरह जो होता है न्यायालय में मतलब क्या होता है, वैलिड नहीं होता, ठीक है, आप लोगों ने कई बार इसको देखा भी होगा, ठीक है, तो कोर्ट में जाके थाना में कुछ और बोलते हैं, कोर्ट में जाके लोग मतलब क्या होते हैं, पलट जाते हैं, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, ठीक है, बाध्य नहीं किया जा सकता। 20 के 3 में किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है, 20 के 2 में, ठीक है, उसके बाद किसी कानून के आपात मतलब ध्यान में रखेंगे, किसी कानून को अतिकालीन प्रभाव विधि से लागू करना, और ये अपराध कृत्य से संबंधित है, मतलब जब तक कोई ऐसा काम करेंगे, ठीक है, और उस काम करने के क्रम में कोई मतलब कानून नहीं टूटेगा तब तक दंड नहीं दिया जाएगा, 20 के 1 में, ठीक है। 21 में क्या कहा गया अनुच्छेद 21 में, तो इसमें कहा गया है, यह अनुच्छेद में कहा गया, किसी व्यक्ति को उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अर्थात नहीं, किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आप नहीं ले सकते, मतलब किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति का जान नहीं ले सकते हैं, जान लिया जा सकता है लेकिन किस प्रक्रिया के तहत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, ठीक है, ध्यान रखें, तभी जान लिया जा सकता है, ठीक है, फांसी वगैरह का सजा में जान लिया जाता है लेकिन क्या होता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होता है उसके तहत ही मतलब लेते हैं, ऐसे तो नहीं लेते, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ब्रिटेन कहां से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि ब्रिटेन द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ब्रिटेन के यथोचित लिया विधि प्रक्रिया अमेरिका से लिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे अब यहाँ पे देखें, अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में आजीविका का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, निजता का अधिकार, रक्षा पाने का अधिकार, शयन का अधिकार, शयन का अधिकार समझ रहे हैं ना, शयन का अधिकार होने का क्या होता है, सोने का अधिकार, ठीक है, बिल्कुल भोजन का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, सारे के सारे किसमें शामिल है, इस आर्टिकल से एग्जाम में आए दिन प्रश्न पूछे जाते हैं, धड़ल्ले से प्रश्न पूछे जाते हैं, बोले सर, जाएंगे इसे जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा जापान स्थापित से, प्रक्रिया, यहाँ तो दिया है सर, विधि द्वारा द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो प्रक्रिया ब्रिटेन से है, ब्रिटेन से, तो जापान से विधि, जापान से विधि का शासन जापान से, ठीक है, ठीक, ये प्रक्रिया ली गई है जापान से, कौन सा क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है ना जापान से, नहीं ये ब्रिटेन से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित, यार कंफ्यूज कर दीजिए, चेक कर लीजिए गूगल पे, ठीक है।
अब यहाँ पे बीस तो इक्कीस से वहां क्या भी प्रश्न पूछता है सुनेश? है ब्रिटेन, वहां भी द्वारा शिक्षा शासन पान जो है वो ब्रिटेन से है, अभी द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से है। तो ठीक मैं है, हो गलत सकता है लिखा इसमें था, गलत दे देखिए दिया हो। तो ठीक, कहा है नहीं गलत हो, हो सकता है गलत लिख दिया होगा। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित करके जापान, अब विधि के शासन ये ब्रिटेन ब्रिटेन से। से। ठीक हाँ है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दो चीजें देखेंगे, ठीक है। विदेश भ्रमण का अधिकार की बात करेंगे, 21 में है। शिक्षा पाने का अधिकार 21 में है। शयन का अधिकार की बात करें, वो भी 80 में। भोजन का अधिकार की बात करें, 21 में है। ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीना या फिर स्वास्थ्य प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, वो भी 21 में है। और साथ में विवाह का भी अधिकार की बात करेंगे ना, वो भी आपको 21 में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल्स 21 जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब क्या था, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 के द्वारा अनुच्छेद 20 एवं 21 को आपात स्थिति में अनुच्छेद 359 के अधीन के आदेश को निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किया गया, अनुच्छेद 20 21 को आपात स्थिति में भी अनुच्छेद 359 के अधीन, ठीक है, निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक आर्टिकल 358 था, एक आर्टिकल 359 था। ठीक है, तो 58 जो था किसे मतलब करता था, 19 को खत्म कर देता था 358। अब 359 जो था बाकी सारे मौलिक अधिकार को खत्म करता था, लेकिन 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं कर सकते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 22 क्या है, अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो इस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, कुछ दशाओं में अच्छा गिरफ्तारी या निरोध संरक्षण का अधिकार है। क्या है, इस अनुच्छेद के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण का अधिकार है। ध्यान में रखेंगे, वस्तुतः गिरफ्तारी का निरोध दो प्रकार के होते, एक दंडात्मक होता है, एक निवारक होता है। ठीक है, एक क्या होता है, दंडात्मक होता है, एक होता है मतलब क्या होता है, निवारक होता है। आप देखेंगे कैसे लोगों को गिरफ्तार कर, दो परिस्थिति में लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। एक तो आपने दंड कर दिया, आपने किसी नियम को तोड़ा है, किसी कानून को तोड़ा है, किसी ने किसी प्रकार का दंड किया है, तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। एक वो का निवारक होगा, निवारक में क्या होता है, दंड करने से रोकना। ठीक, क्या होता है, दंड करने से रोकना। जैसे मान लीजिए आपके आपके मन में चल रहा है आज ने जाके मतलब किसी का मतलब हत्या करना है। ठीक है, पूरा प्लान उलान कर लिया आपने, चाकू वगैरह सब कुछ खरीद उड़ लिया है। ठीक है, लेकिन ये बात किसी भी तरह से पुलिस के पास पहुंच जाती है, तो दंड करने से पहले ही आपको मतलब रोका जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब किस में आएंगे, तो निवारक में आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध किसी अवधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, वो है, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 माह तक अभिरक्षा में विरुद्ध कर सकती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को 3 माह तक, ठीक है, क्या करेंगे, अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, मतलब आपको रोका जा सकता है, आपको नजरबंद किया जा सकता है 3 महीने, 3 महीना तक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को 3 महीना से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा मगर आपको उनको रोक कर रखना है, ठीक है, इसके लिए सलाहकार बोर्ड बनेगी, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। ठीक है, कि अनुमति इस अवधि से बढ़ाया जा सकता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को 3 महीना से ज्यादा दिनों तक नजरबंद नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उनसे ज्यादा दिन तक करना है तो इसके लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मतलब क्या लेना पड़ेगा, एक सलाहकार बोर्ड बनाना पड़ेगा, उनसे मतलब अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अपराध करने के बाद भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, अपराध करने के बाद, अपराध करने से पहले भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ रहा है ना। मतलब जी यहाँ पे हमारे जो व्यवस्थापिका है, ठीक है, सॉरी व्यवस्थापिका की बात करेंगे, तो जो भी हमारे पुलिस प्रशासन जो भी इसमें आएंगे, तो उनको मतलब क्या बोलते हैं, अब सॉरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका बोलना चाहिए। ठीक है, तो उसको मतलब अपराध करने के बाद तो सजा देना ही है। ठीक है, न्यायपालिका का पास तो ले जाएगा, लेकिन उससे पहले भी आपको रोकना है, अपराध करने से रोकना भी शामिल है। ठीक है, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति यथाशीघ्र निरोध के आधार पर संसूचित किए जाएंगे। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अभायदन करने के लिए यथाशीघ्र अवसर भी दिया जाएगा। भाई साहब क्यों मुझे अरेस्ट करके रखे वो तो बताओ। जैसे आपने देखा जम्मू कश्मीर का राज्य पुनर्गठन आयोग, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल जब पेश होने वाला था, तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे नेताओं को नजरबंद कर लिया गया था, देखा था ना आप लोगों ने। ठीक है, संसद को यह शक्ति है कि वो विहित करे कि निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी। अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद ने निवारक निरोध से संबंधित कई कानून मतलब किए, जैसे कि वह उदाहरण के लिए बात करें मीसा, ठीक है, टाडा, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA। ठीक है, 3 प्रकार के काम है जो कि निवारक निरोध संबंधित कानून है। सामान्य दंड विधान के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति के पास गिरफ्तारी का कारण बताने, अपनी रुचि बताने, वकील के लिए 24 घंटे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। सामान्य परिस्थिति में अगर किसी को गिरफ्तार करे तो
ये अधिकार शत्रु देश के व्यक्तियों में निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नहीं होते, ठीक है। अगर इसमें अगर गिरफ्तार करेंगे टाडा मिसा इस समय अगर गिरफ्तार करेंगे तो ये अधिकार शत्रु देश के व्यक्तियों को एवं निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उनके पास ये अधिकार नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे। या फिर शत्रु देश के किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करते तो वो ये राइट के लेकर क्लेम नहीं करेगा तो हमको मतलब 24 घंटा के अंदर में मतलब हमें किससे मतलब सहायता प्राप्त करनी है तो हमें मतलब वकील से मतलब सहायता लेनी है, ये राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है, क्या बताएंगे अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव अनुच्छेद दुर्व्यवहार 23 में क्या है। बिल्कुल ठीक है बलात्कार अनुच्छेद, बिल्कुल अनुच्छेद 23 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 23 की बात करेंगे, मानव व्यापार में मनुष्यों का क्रय विक्रय, महिला और बच्चों को अनैतिक दुर्व्यवहार, वेश्यावृत्ति में दास प्रथा का कोई भी रूप शामिल है, ठीक है अनुच्छेद 23 में, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब वेश्यावृत्ति, बच्चों का खरीद बिक्री करना, मनुष्य के खरीद बिक्री करना, सारे के सारे मतलब क्या है तो सारे के सारे मतलब प्रतिबंधित है, ठीक है ध्यान में रखें। इसमें मनुष्य का शब्द मैंने लिया है इसलिए बच्चा बुजुर्ग बूढ़ा महिला सारे के सारे शामिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 24 की बात करता है, अनुच्छेद 24 क्या है, इसमें बलात्श्रम की बात कही सर गई है। 23 में है ना सर कि 14 साल से बच्चा जो कारखाना में काम करेगा नहीं, उसके चौबीस मतलब में, चौबीस प्रतिबंध में, 24। ठीक ठीक सॉरी सर सर ठीक 23 में मनुष्य की बात की जाती है, ठीक है। मनुष्य के क्रय विक्रय ये सब रुकना है, मनुष्य के खरीद बिक्री पे प्रतिबंध लगाना है, वेश्यावृत्ति इसी में आता है, बंधुआ मजदूरी वगैरह सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 24 की बात करेंगे तो इस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियम अधिनियम 1986 इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कानून है, ठीक है। अनुच्छेद 25 की बात करेंगे तो क्या ध्यान में रखिएगा, ये बाल श्रम ठीक है प्रतिषेध, ये कब 1986 में आया था, ठीक है ध्यान में रखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है 1986 में ये किया प्रतिबंधित किया गया किसी भी बच्चे को, ठीक है माइक इनका यू करावन कीजिए, किसी भी बच्चे को आप किसी मतलब ठीक है क्या बोलते हैं किसी कारखाने वगैरह में काम पे नहीं लगा सकते हो अगर उनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे दुकान वगैरह पे गया होगा देखेगा ये दुकान जो है बाल श्रम से मुक्त है लिखा हुआ रहता है ना, तो वहां पे किसी भी बच्चे को कार्य नहीं दिया जाता है। अनुच्छेद 25 की बात करें क्या है भाई साहब, अनुच्छेद 25 में तो लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य तथा इन भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों के अंतःकरण और धर्म का अबाध रूप से मान्य, ठीक है आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप अपने धर्म को मान भी सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक है ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे चीजें के लेकिन अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखेंगे अपने धर्म के मतलब फोर्स कन्वर्जन कराने का अधिकार नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में आप परिवर्तन नहीं करवा सकते, कन्वर्जन नहीं करवा सकते, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है समझ गए। किसमें, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में क्या है, तो अनुच्छेद इनकम आईक्यू को हो रहा है, अनुच्छेद 26 की बात करें, अनुच्छेद 26 में क्या है, तो लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसके किसी भाग में धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो किसमें है, 26 में है, ठीक है। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें है, तो 26 में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 27 क्या है, किसी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो किसी विशिष्ट धर्म की विधि या पोषण में वे किए जाएंगे। मतलब मान लीजिए हमने हमारा हम अपने ठीक है किसी मंदिर को 20 लाख रुपया दान में दे दिया, ठीक है 20 लाख रुपया दान में दे दिया। अब 20 लाख रुपया अगर हमने दान में दे दिया तो सरकार ये नहीं कहेगी कि 20 लाख रुपया तुम दान में दिए हो, इसका टैक्स हमको 30% से जोड़ के दो, ठीक है। अगर हम किसी भी धार्मिक संस्था को दान करते हैं या फिर एनजीओ को भी दान करते हैं तो उसपे सरकार हमसे टैक्स नहीं मांग सकती है, ठीक है। ये किसमें है, किसमें है ये, तो 27 में है, सत्ताईस ठीक है में ध्यान है में रखिएगा। किसी व्यक्ति को ऐसे करो देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि या पोषण में वे किए जाएंगे, ठीक है ध्यान में रखेंगे। किसी भी धर्म के वृद्धि या फिर उनके पोषण में अगर कुछ जो पैसा हम जो हम लोग मतलब क्या करते हैं एक्सपेंस करते हैं उसको लेकर सरकार हमें कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, ध्यान में रखिए। 21 आर्टिकल्स में कहता है, ये आर्टिकल 27 की बात है, ठीक है ध्यान में रखेंगे, इसको गहराई से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते रहे। आप चलेंगे आर्टिकल 28 क्या कहता है, तो ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 28 की बात करेंगे, राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। मतलब ऐसे शिक्षण संस्था जो कि राज्य के फंड के द्वारा चलती है, जिसके टीचर के सैलरी स्टेट देती है, राज्य देती है, सरकार देती है, उसका बिल्डिंग राज्य के पैसों से बना हुआ है, ठीक है बच्चों के लिए बहुत सारे फंड मतलब राज्य की तरफ से आती है, वहां पर जाके आप किसी भी तरह का धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। मतलब किसी राज्य के हाई स्कूल हो गया, मिडिल स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, वहां पर किसी धर्म से संबंधित धार्मिक शिक्षा हम लोग नहीं देंगे। लेकिन
लेकिन इसमें भी पेश है, किंतु ऐसी कोई बात उन शिक्षण संस्थाओं में लागू नहीं होती जिनकी स्थापना किसी न्यास के अधीन धार्मिक शिक्षा देने के उद्देश्य से ही की गई है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिश्चियन मिशनरी का कोई स्कूल है, सनातन धर्म का ही स्कूल है, जैसे हमारा शिशु विद्या मंदिर हो गया, ठीक है, जो कि मतलब आरएसएस की शाखा मानी जाए, आरएसएस की शाखा हो गई, जहाँ पे धार्मिक शिक्षा देने के लिए हमने बनाया है, तो इस तरह की बातें वहां पे लागू नहीं होगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन राज्य के द्वारा पोषित मतलब राज्य के द्वारा फंडेड किसी भी, ठीक है, संस्था में धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंधित है, कौन सा आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स 28, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं संविधान के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में से एक, जिसको अंबेडकर जी ने इसको संविधान का आत्मा और हृदय कह के पुकारा, वो आर्टिकल्स कौन सा, आर्टिकल 32 है अंबेडकर जी ने, ठीक है। देखिए संविधान का आत्मा और हृदय की बात करेंगे तो सभी लोगों ने प्रस्तावना को माना, लेकिन अंबेडकर जी ने बोला भाई साहब ये बात ठीक नहीं है, संविधान की आत्मा और हृदय की बात करेंगे तो आर्टिकल्स 32 है, जो कि सारे मौलिक अधिकारों को क्या करता है, तो सारे मौलिक अधिकारों को क्या करता है आर्टिकल्स 32, संरक्षण रक्षा करता है, संरक्षण करता, बहुत अच्छा आपने बताया, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। हाँ एक मिनट बिल्कुल गेट नो, ठीक है, तो क्या करता है, रक्षा करता है, या फिर मतलब क्या करता है, संरक्षण करता है, ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। अब आर्टिकल्स 32 की बात करेंगे, आर्टिकल्स 32 क्या है, तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रत्याभूत उपचार प्रदान करता है, मतलब मूल अधिकार आपका सुरक्षित रहेगा, संविधान ने आपको मूल अधिकार दे दिया, ये सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको गारंटी देने के लिए कौन सा आर्टिकल्स है, कौन सा, बिल्कुल आर्टिकल्स 32 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यह उपचार का अधिकार है, यह मूल अधिकार है, क्योंकि यह भाग 3 में सम्मिलित है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक और प्रत्याभूति दाता बनाया गया, ठीक है। बात करेंगे मूल अधिकारों का गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, मूल अधिकारों के गारंटर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, आपके यहाँ का मूल अधिकार आपसे छीने जाएंगे, मूल अधिकारों का अल्प किया जाएगा, कहाँ जाएंगे दौड़ते दौड़ते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गोद जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आर्टिकल 32 32 के तहत जाएंगे, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 द्वारा दी गई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचों का हिस्सा, तो इसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता था, जो आर्टिकल संविधान का मूल ढांचा का हिस्सा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा, उसको संविधान संशोधन के द्वारा आप उसको समाप्त नहीं कर सकते हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संविधान के मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए रिट जारी किए जाते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है, इनका विवरण निम्नलिखित है, तो उच्चतम न्यायालय जो किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करेगी, 32 के तहत, और उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करेगी, 26, 226 के तहत, ठीक है, दोनों आर्टिकल्स आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। जितने भी नए लोग हैं, बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं, मैं आपको बता दूं 8:30 बजे से यहाँ पे क्लास होती है, 8:30 बजे से लेकर 9:15 तक आरएनए के नाम से करंट अफेयर्स की डेली क्लास होती है, जो कि इसमें स्टेटिक्स बेस भी होता है, उसके और 45 दिन के अंदर में प्रॉपर जीके का डिस्क्रिप्टिव बैच, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू विथ कॉन्सेप्ट के साथ मैं बैच लेकर आऊँ, तो 45 दिन के अंदर में आपकी जीके समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखें, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं होगा, बहुत अधिक कम भी डिटेल्स नहीं होगा, ठीक है। 12 सारा इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे ग्रुप का जो पहला मैसेज होगा उस पर एक चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारा पीडीएफ आपको आगे भी क्लास की मिलती रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं, पहला रिट जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है ये रिट, तो ये रिट आदेश के रूप में है, जिसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति के निरुद्ध किया है, ठीक है, यह आदेश दिया जाता है कि उसे न्यायालय के समक्ष मतलब उपस्थित करें, जिसे न्यायालय यह जान सके कि उसने क्यों निरुद्ध किया गया है, मतलब उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, यदि बंदी रखने का विधिक औचित्य नहीं है तो उसे मतलब मुक्त कर सके, ठीक है। न्यायालय इस बात को तय करेगी कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, बंदी बनाया गया, क्या मतलब उसको सही तरीके से बनाया गया कि नहीं बनाया गया, अगर मतलब सही रीजन अगर नहीं है, ठीक है, सही रीजन नहीं तो न्यायालय उसे मुक्त करने का अधिकार है, ठीक है। हाल फिलहाल में, अभी हाल फिलहाल में किसी किसी पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, और उसको बाद में न्यायालय ने उसको मुक्त करने का अधिकार दिया था, ठीक है। क्या नाम है उसका पत्रकार का, उसका पत्रकार है कौन सा था, हाँ सर अरे इस बता रहा ऑल्ट हूँ न्यूज का उनको, कि किसी का है वो, ठीक है, उसको गिरफ्तार कर हाँ उसको तुरंत छोड़ने का मतलब वो दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये रिट जो है ना सार्वजनिक प्राधिकरण, ठीक है, जो सरकारी गवर्नमेंट एजेंसियों की उसके खिलाफ और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ मतलब जारी किए जा सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे अनुच्छेद 352 जिस समय देश में लगा होगा, आपातकाल में भी रिट निलंबित नहीं हो सकती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यह रिट आपातकाल के दौरान भी मतलब क्या होगी, जुबैर था क्या, ठीक है,
मोहम्मद जुबैर, जुबैर अहमद ठीक था। है, वही था सर, ठीक है। तो ये रिट उसी भी 352 आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकती है। दूसरा रिट जो है आपका क्या, परमादेश है। इसका मतलब होता है, परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, यह उपचार न्यायालय के विवेकाधीन है, यह जिस लोक प्राधिकारी को संबोधित होती है उसे अपेक्षा की जाती है वो सार्वजनिक कर्तव्य को करे, ठीक है। मतलब कोई अधिकारी है और सार्वजनिक कर्तव्य को नहीं कर रहा, अपने ड्यूटी को नहीं कर रहा, तो वैसे कंडीशन में न्यायालय उसको आदेश दे सकते हैं, भाई साहब तुमको जिस कार्य के लिए रखा गया है तुम्हारा जो सार्वजनिक कर्तव्य है उसको पूरा करो, जिसे करने से वो इनकार नहीं कर सकता है, जो किसी अन्य पर्याप्त विधिक उपचार के बिना कराया नहीं जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये रिट फरमादेश का मतलब क्या होता है, हम आदेश जारी करते हैं, ठीक है, मुख्यतः अधिकारियों के प्राधिकारी को संबोधित करते हुए मतलब इस रिट को जारी किया जाता है। तीसरा क्या, प्रतिषेध, ठीक है। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन, मतलब इसका मतलब होता है रोकना, मतलब हम रोकते हैं, ठीक है। इसे सर्वोच्च न्यायालय पे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक नियामकों को अपने न्याय क्षेत्र के अधिकारिता से बाहर के कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। आपको पता होना चाहिए हमारी न्यायिक व्यवस्था कैसी है, एकहरी और एकीकृत है ना, कहते हैं ना हमारी न्यायिक व्यवस्था की बात करें एकीकृत और एकहरी है, ठीक है। हमारा बात करें न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग है, लेकिन सबसे हमारी बिल्कुल सही। हाँ और एक सर दूसरे के सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट हमेशा, फीचर्स, सर सेलेंट फीचर्स में हाँ अपन पढ़ते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है सर, उससे स्पष्ट ये होता है कि हम संघीय ढांचे में हैं, लेकिन संघीय ढांचे में होते हुए भी जो एकात्मकता है वो न्यायालय की वजह से ही है, क्योंकि उसमें बिल्कुल सर जो पैरेलल चीजें दिखती हैं कि जैसे सबसे नीचे ग्राम न्यायालय, फिर उसके बाद जिला न्यायालय, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च हाँ, तो न्यायालय, तो आज एक थोड़ा सारा न्यायालय एक एकात्मकता दूसरे पे पकड़ बना के रखता है, ठीक है। तो प्रतिषेध जो है। जारी होगा उच्च सर्वोच्च न्यायालय तो सबके साथ जारी कर सकता है, लेकिन मुख्यतः उच्च न्यायालय के ऊपर, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को या फिर न्यायिक निकायों को अपने न्याय क्षेत्र में अधिकार से बाहर कार्य को मतलब रोकने से मतलब करेगा, ठीक है। भाई साहब तुम्हारा अधिकार क्षेत्र का काम नहीं है, इसे मत करो, ठीक है। फिर अगला रिट जो इसे मिलता जुलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है उत्प्रेषण, ठीक है। अब क्या यहाँ पे मतलब न्यायालयों को मतलब उनके अधिकार क्षेत्र से कार्य करने के लिए हमने रोक दिया, मतलब अगला रिट जो है यह प्रमाणित होना या सूचना देना है कि किसी वरिष्ठ न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है और इस निर्णय न्यायिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, ठीक है। तो पहले में रोकना है, और दूसरे में जब मान लीजिए रोकने के बाद भी बाय द वे नहीं किसी रीजन की वजह से उन्हें मतलब कोई फैसला ऐसा सुना दिया जो कि उनको अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन उत्प्रेषण को जारी किया जाएगा, ये भी न्यायालय से ही संबंधित है, ठीक है। वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ मतलब जारी किया जाता है। अंतिम जो है अधिकार पृच्छा है, न्यायिक संदर्भ में इसका अर्थ होता है किसी प्राधिकृत या फिर वारंट के द्वारा इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति का सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे के जांच के लिए किया जा सकता है, अतः वह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में अवैध अधिकार को रोकता है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति क्लर्क है, ठीक है, सपोज डेट ऐसा बता रहा हूँ समझाने के लिए, और किसी बड़े अधिकारी के तौर पे वो काम कर रहा है, तो भाई पूछा जाए किस अधिकार से तुम ये काम कर रहे हो, इसके मंत्री तो कार्यालय निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया, लेकिन ध्यान में रखेगा ये इसमें ये भी ध्यान में कैबिनेट वगैरह जो मंत्री कार्यालय फिर निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आज हम क्लर्क है, ठीक है, आज हमारे सीनियर क्लर्क नहीं आया है, ठीक है, लेकिन हम मान लीजिए किसी ना हम प्राइवेट के क्लर्क है तो आज हम सीनियर क्लर्क का भी काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे खिलाफ ये नहीं जारी कि हम प्राइवेट संस्था में काम करते हैं, लेकिन जो सरकारी संस्था में भाई, तो सरकारी संस्था में तो आपको मतलब एक विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही सारी चीज को चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई अधिकारी है तो अपने सीनियर अधिकारी के तौर पर ऐसा नहीं, आज नहीं है तो चलो आज मन बनाते काम कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए कभी आप साइन वगैरह करने उन्हें जाते होंगे तो पता चलता है जो साइन करने वाला अधिकारी सीनियर अधिकारी वो नहीं आया है, ठीक है, तो काम आपका लटका हुआ रहता है, ठीक है। तो अधिकारी नहीं होता, अधिकार परीक्षा में इसी तरह आता है, से मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र के रह में ही काम करना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अवैध अधिकार करने से रोकता है लोक कल्याण में, लोक कल्याण समझते हैं ना, लोक कार्यालय, लोक कार्यालय सरकारी कार्यालय समझ लीजिए, बहुत सारे ऐसे कार्यालय जो कि सरकार के अधीन मतलब होते हैं सारे के सारे लोक कार्यालय में ही आएंगे, ठीक है। और सर सीधा उसके एग्जाम्पल ऐसे बाद दे सकते हैं सर, ऐसे कार्यालय जिनकी जानकारी हम आरटीआई डाल के ले सकते हैं, वो लोक कार्यालय के अंतर्गत आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ ये भी है, ठीक है। इसमें आप इसमें ध्यान में रखे कौन कौन नहीं आएंगे रोक लाने के अंतर्गत, तो ध्यान में रखेगा इसमें इसमें नहीं जारी होगा रिट, मंत्रित्व कार्यालय पे निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जाएगा अधिकार परीक्षा को, ठीक है। तो कितने प्रकार का रिट है, रिट का नाम सभी लोग बताइए। सबसे पहले बंदी पत्रचीकरण, दूसरा पे क्या है परमादेश परमादेश, ठीक है, परमादेश तीसरा में प्रतिषेध, चौथा में उत्प्रेषण, ठीक है, पांचवा में अधिकार परीक्षा। तो आप एक रिट में सिंपल आपसे पूछ रहा हूँ वो कौन सा रिट है जिसमें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोले कि से भाई साहब ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र का बाहर का केस है, तुम ये केस को मेरे पास ट्रांसफर कर दो, ये उत्प्रेषण में होगा या फिर प्रतिषेध में होगा। उत्प्रेषण में होगा। नहीं है, ठीक है,
किस आर्टिकल्स में, सॉरी किस, सर एक बार सीधा बोल दीजिए ना कि जैसे प्रतिषेध का मतलब है से, मतलब पूरी तरह से रोक हाँ देना, ना कि रोकना, जो ठीक है रोक देना, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है प्रतिषेध रोकना, ठीक है मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट को बोलेंगे से ये तुम्हारा अधिकार का काम नहीं है, इसको तुम मत करो, करना ही नहीं है, लेकिन बाय द वे नहीं रुक पाया, किसी वजह से पहले फैसला दे दिया, फिर नोटिस में नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में नहीं आया, और उसने हाई कोर्ट ने वैसा काम कर दिया, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे उत्प्रेषण को जारी किया जाएगा, बोलेगा ये तो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तुमने इसको तो कर दिया, चलो इसको अब मेरे पास पर ट्रांसफर करो, मैं इसको रिव्यू करूंगा, ठीक है चलिए। अब आगे चलते हैं उच्चतम न्यायालय पे, उच्च न्यायालय के द्वारा अधिकार करने के, सॉरी द्वारा रिट जारी करने के अधिकार में अंतर, ठीक है तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करेगी, कलम चेंज कर लूं बत्तीस क्या, 32, ठीक है, और यहां पे बात करेंगे तो छब्बीस 226 ठीक है 226, ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पे ही 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है, मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों में भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है उच्च न्यायालय, यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने हेतु बाध्य है, लेकिन यह बाध्य नहीं है, ठीक है अन्य कोई उपाय उपचार सुझा सकता है, ठीक है यह रिट जारी करने के लिए बाध्य जो है उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन यदि मांग अगर उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य है, ठीक है यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसी कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं, जाहिर सी बात नहीं होगा, ठीक है तो कॉमन सेंस की बात सर लेके यही बता रहा हूँ एक आपको, ठीक है। क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। 2018 में यूपीएससी ने सर क्वेश्चन पुटअप करा था कि यूपीएससी वो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट पावर है वो हाई कोर्ट की जो रिट पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर से वाइडर है, काफी बड़ी है, काफी ब्रॉड है, बिकॉज वो आपका जो मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों पर भी और भी रिट तो जारी यहाँ कर सकती बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना मूल अधिकार को साथ साथ अन्य मामलों पर भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है, ठीक एक जो हम है लोग इंजेक्शन पढ़ते हैं ना वो एक्स्ट्रा ही है, मतलब वो अपने विवेक के अनुसार कर सकती है श्योर रिट श्योर जारी श्योर। एक्स्ट्रा। एंड जी सेकेंडरी सर ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज किसी भी कंडीशन में हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए अपने मौलिक अधिकार को लेके, तो उसे रिट जारी करना एक मैंडेटरी है, अनिवार्य है सर, उसे लेकिन करना ही ये पड़ेगा, तो हाई हाई कोर्ट कोर्ट इसका मना भी एक्शन कर ले सकता है, सकती ठीक है। है श्योर श्योर मना करके उसके जगह पे कोई दूसरा रास्ता भी आपको सुझा सकता है, यह बाध्य नहीं है, अन्य कोई उपचार या फिर उपाय आपको सुझा सकता है, ठीक है लेकिन अगर वैलिड रीजन हो तो उच्चतम न्यायालय के किसी भी परिस्थिति में रिट को जारी करना ही पड़ेगा, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है आखिरी रास्ता अगर उच्चतम न्यायालय अगर मना कर देगा तो अब किधर नहीं बोलते, अब हम कहाँ जाएंगे, ठीक है कोई रास्ता नहीं बचेगा, ठीक है। 32(4) क्या कहता है, एक आर्टिकल से देख लीजिए, अनुच्छेद 352 के तहत आपात घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति 359 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ठीक है अनुच्छेद 32 के तहत मिले अधिकारों को निलंबित कर सकता है, ये राष्ट्रपति का निलंबन जो अनुच्छेद 359 में कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार निलंबन जो 352 के समय राष्ट्रपति करते कहां से लिया गया सर दो जगह है, से लिया गया, एक तो जर्मनी से लिया गया एंड सेकेंडरी लिया ना गया से है सर जो अपने 1935 का जो आर्टिकल मतलब जो है। राष्ट्रपति का निलंबन जर्मनी से ही लिया गया, ठीक है वहां पे जो 352 जो है ना वहां पे वो है इमरजेंसी के, मतलब इमरजेंसी का हाँ प्रावधान तो है, लेकिन श्योर राष्ट्रपति मौलिक अधिकार का निलंबन करेंगे वो जर्मनी के कौन सा रिपब्लिक, हाँ श्योर श्योर कहानी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आते हैं सबसे सुंदर संविधान का, मेरे हिसाब से संविधान का सबसे सुंदर हिस्सा जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जहाँ पे गांधी जी का सपनों का भारत आपको दिखता है, भले ही नहीं बन पाया और दूसरी बात है, ठीक है कहाँ से कहाँ तक दिखेगा ये डीपीएसपी, छत्तीस एकवन किस भाग में है, भाग बताइए, फोर चार में, फोर में एक सर सिंपल प्रश्न आपसे मैं पूछता, क्या संविधान का मूल भाग था या फिर बाद में संविधान में शामिल किया गया, मूल भाग मूल था, मूल भाग मूल भाग था, हाँ था मूल जी। कर्तव्य जो था वो संविधान का मूल भाग में नहीं था, बाद में उसको शामिल किया गया मूल कर्तव्य को, ठीक है लेकिन ये क्या है तो ये हमारा इक्यावन संविधान का कौन है मतलब क्या है, मूल भाग है, हाँ ठीक है। अब चलेंगे नीति निर्देशक तत्व राज्य के नैतिक निर्देश है, ताकि राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके, यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या के साथ साथ कल्याणकारी राज्य का आदर्श भी घोषित करता है, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, मतलब न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, डेट मीन्स कहने का मतलब न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग में लोक कल्याण राज्य का अवधारणा आपको देखने को मिलता है, क्या बताएंगे, 38 में है, बिल्कुल ठीक है अड़तीस किसमें देखने को मिलता है, तो
हाँ, लोक कल्याण आजकल पूरा डीपीएस में भी देखने को मिलता है, लेकिन आर्टिकल्स भी अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है। अब बात करें, जैसे मैंने बोला आर्टिकल्स 12, आर्टिकल्स 12 में सबसे पहले देखने को मिलता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य का डिफिनेशन। उसी तरह आर्टिकल 36 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, मतलब आवाज नहीं आ जी रही क्यों है, गया, आवाज तो आपकी आ रही है, इनका आ रही है, क्लियर आ भी रही, कोई प्रॉब्लम क्या नहीं आ रही है? है, ऑनली ऑडियो मतलब सबके वीडियो साथ ये है? दिक्कत हो नहीं रही है। नहीं नहीं जी, सर, वीडियो नहीं, आप हम काट लोग क्या को ये नहीं फिर दिखता से? है। ओके, नहीं मैं काट के आती हूँ। सर, आप कहाँ गए? आप नहीं सर, अच्छा, हमको नहीं काट के आना है, इनको आना है। नहीं अच्छा अच्छा काट के डिस्कॉर्ड आ नहीं रहे हैं भरा फिर हुआ भी है नहीं ये। दिख रहा। आपका वीडियो सही आ रहा है सर? मोबाइल को नहीं ठंडा लग गया होगा, थोड़ा सा पानी को गर्म कीजिए, उसमें मोबाइल को डालिए जी, थोड़ा देर के लिए, फिर वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ये जो जो नए नए ज्वाइन हुए हैं सर, किसी को नहीं दिख रहा, हमें भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है सर हम लोग को। एक जो मिनट एक मिनट, पहले तो से ज्वाइन हमारे में आया ही ना दिक्कत है फिर। वो, हाँ अब दिख रहा है बोलिए। सर, आ गया। नहीं सर, इसलिए मेरे गया, साथ अभी तो धार्मिक स्वतंत्रता पढ़े हैं। क्वालिटी में मजा आ रहा है। सर एक गाना हो जाए ओके बीच में। थैंक अभी आप निकल जाइए, ठीक है, क्वालिटी के बीच में कोई गाना है, ठीक है। चलिए, हंसी मजाक अपने जगह पे, लेकिन बी सीरियस, ठीक है। चलिए, आप चलेंगे यहाँ पे क्या, 36 से 51 तक क्या है, ठीक नीति है, निर्देशक बिल्कुल डीपीएस भी है, ठीक तत्व है। तो 36 में आपने क्या बोला है सर, नीति निदेशक के तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा की बात करेंगे, 36 में है। अब 12 में बात करेंगे, तो मौलिक अधिकार के तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा की बात करेंगे, 12 में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स 1 में क्या है, तो भारत, परिभाषा ये और मतलब मौलिक अधिकार में है, जो दोनों एक ही होगा तो दोनों एक ही होगा, मतलब कहने का मतलब राज्य के अंतर्गत मौलिक अधिकार कहाँ कहाँ पे लागू होगा, नीति निर्देशक तत्व कहाँ कहाँ पे लागू होगा, उसको लेकर मतलब डिफिनेशन कर रहे हैं। अब राज्य कह रहे हैं, राज्य का मतलब बिहार थोड़ी ना है, राज्य का मतलब बिहार भी हो गया, सरकार का अंग है, एक जिला भी हो जाएगा, एक प्रखंड भी हो जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल भी हो जाएगा, सरकारी विद्यालय भी हो जाएगा, LIC ऑफिस भी हो जाएगा, बस भी हो जाएगा, ट्रक भी हो जाएगा, खाना खाने वाला रेस्टोरेंट भी हो जाएगा, फिल्म देखने वाला सिनेमा घर भी हो जाएगा, स्विमिंग पूल भी हो जाएगा, सबके सब राज्य का हिस्सा है। इन किन्ही जगहों पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सिनेमा हॉल में भेदभाव किया जाए, ठीक है, ट्रेन पे भेदभाव किया जाए, बस में भेदभाव किया जाए, होटल में खाने खाने को भेदभाव किया जा रहा है, सबको मतलब इसमें शामिल किया गया, क्योंकि हमारे संविधान जिसने बनाया उन्होंने इन दिनों को देखा हुआ था। आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा, सिनेमा हॉल में लिखा होगा, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड हेयर। तो उन्होंने जब संविधान को बनाया तो राज्य की परिभाषा के अंदर होटल को भी शामिल किया, गांधी जी के साथ ट्रेनों में भेदभाव किया गया, ट्रेन को भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया, सरकारी विद्यालयों को भी शामिल किया, सबको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया, सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी विद्यालय में इनके साथ क्या बोलते हैं, अम्बेडकर जी के साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है, सिनेमा घर में मतलब इंडियंस को अलाउ नहीं था, होटल में इंडियंस को खाने खाने के लिए नहीं जाने दिया जाता था। तो राज्य का परिभाषा केवल देश नहीं होता, राज्य के परिभाषा को इन्होंने बहुत ही व्यापक बना दिया, था बना दिया, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव अगर माना जाएगा तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना, क्योंकि जी उन्होंने उसको फील किया था, उन्होंने उसको देखा था, तो उनको लगा से आगे भी ये चीजें हो सकती है, इसीलिए राज्य का व्यापक परिभाषा इन्होंने बनाया, समझ गए। चलिए, तो 36 के अंतर्गत क्या है, राज्य की परिभाषा है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। 37 में क्या है, तो 37 में देखो कि नीति निर्देशक तत्वों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है, तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना जाएगा, लेकिन राज्य ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, इसमें राज्य के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते, राज्य बोलेगा भाई साहब अभी हम इसको लागू करने के लिए क्या नहीं है, तो सक्षम नहीं है, ठीक है। जी ऐसे परिस्थिति में हम राज्य के ऊपर किसी भी तरह प्रकार का दबाव नहीं बनाते, राज्य का क्या है, नैतिक कर्तव्य है आपका, है यहाँ पे नैतिक कर्तव्य है शोरगुल नहीं करना, लेकिन आप नहीं अगर करेंगे तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ये तो राज्य का परिभाषा, तो टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, यहाँ पे आपका मौलिक अधिकार का खंडन हो सकता है, हम तुरंत आपको रिमूव कर सकते हैं, इसलिए शांति और अनुशासन बना के रखे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 37 के अंतर्गत क्या है, तो नीति निर्देशक तत्वों का न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय न होते भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है, तथा विधि जब बनेगा, ठीक है, राज्य जब विधि बनाएगी तो उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत को मतलब क्या रखे, ध्यान में रखकर विधि बनाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
आप चलेंगे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना, किसमें है? 38 में है। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की समानताओं का समाप्त करने का प्रयास करना, ठीक है, ध्यान, अवसरों के असमानता को, मतलब अवसर की असमानता जो रहेगी उसको समाप्त करने के प्रयास भी 38 में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 39 में क्या है? 39 आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्त्री और पुरुष नागरिक को आजीविका के पर्याप्त तो साधन प्राप्त करने का अधिकार। अब ऐसा नहीं कि कोई महिला कहीं पे काम करने जा रही है तो उसको बोले चलो आज से आपको यहाँ पे 15,000 रुपया मिलेगा, पुरुष कहीं पे काम करने जा रहा है तो बोले नहीं तुमको 10,000 रुपया ही मिलेगा, हालांकि मैं उल्टा बोल दिया, पुरुष की सैलरी अधिक होती है, ठीक है। इस तरह की चीजें नहीं होगी, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, और स्त्री और पुरुष नागरिकों का आजीविका के पर्याप्त साधन के प्राप्त करने का अधिकार है और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। 39 में ही है। समुदाय में भौतिक संसाधनों का उचित विवरण एवं स्वामित्व की बात कही गई है। धन में उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, मतलब किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, किसी भी चीज का संचय नहीं होना, ठीक है। विकेंद्रीकरण मतलब बांटना, अगर मान लीजिए 10 रुपया मेरे पास है, ठीक है, तू मेरा क्या सेंट्र केंद्रीयकरण है उस पैसा का, ठीक है, लेकिन 10 रुपया को 10 लोगों में बांट देंगे तो उस पैसा का क्या हो गया? विकेंद्रीकरण हो गया, ठीक है। तो धन का विकेंद्रीकरण हो सकता है, सत्ता का भी विकेंद्रीकरण हो सकता है। भारत सत्ता का विकेंद्रीकरण का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, जहां पे सत्ता को 3 परिपूंड में बांटा गया, जहां पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और साथ में क्या हमारा क्या है, तो हमारा आप देखोगे पंचायत क्या राज। है, तो पंचायत स्तर पे, ठीक है, शहरी निकाय, ये सारे के सारे विकेंद्रीकरण है। और उसी तरह से भाई साहब धन का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि भारत क्या एक समाजवादी देश है, जहां पे, ठीक है, एक ही व्यक्ति के पास बहुत अधिक पैसा नहीं होना चाहिए। भारत में क्या, भारत में धन का विकेंद्रीकरण की बात तो कहा गया है, ठीक है, मौलिक अधिक क्या इसमें नीति निर्देश तत्व में, लेकिन भारत का आपको पता होना चाहिए 90% पैसा जो है ना भारत में केवल 2% लोगों के पास में, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई आदमी बहुत ज्यादा गरीब है और यहाँ पे कोई आदमी बहुत ही ज्यादा अमीर है, ठीक है। 1% 1% अच्छा, 1%, 2% ज्यादा बोल रही है, नहीं, 1% पास स्त्रियों एवं 40% पुरुष। है, अच्छा 40% पैसा है तो सर अच्छा विकेंद्रीकरण तो धन का है ना सर। तो विकेंद्रीकरण धन का है, तो कहाँ फॉलो कहाँ हुआ है विकेंद्रीकरण धन का बस कहने के लिए कहने के लिए? अब विकेंद्रीकरण धन का होना भी नहीं चाहिए, मेरा ये भी मानना है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अगर विकेंद्रीकरण धन का अगर बहुत ज्यादा कर दीजिएगा, देश का विकास बहुत ज्यादा रुक जाएगा। रीजन क्या नहीं है? सर, रीजन क्या एक है सर? चीज बहुत मेंशन सुंदर करी गई थी एग्जांपल, कि कम्युनिस्ट देश। धन का केंद्रीकरण इस तरीके से होना चाहिए। अगर धन का केंद्रीकरण तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे किसी को इफेक्ट ना हो, उससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ये नहीं कह अगर रहे अगर धन सर का आपने बहुत धन ज्यादा का विकेंद्रीकरण अगर केंद्रीकरण कर दोगे तो देश में कॉम्पिटेंसी की भावना रुक जाएगी। अगर मान लीजिए, अब मान लीजिए हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, धन का विकेंद्रीकरण कर, मेरा इनकम 10 रुपया है, आप कुछ नहीं करते तो फिर भी आपको 10 रुपया मिल जा रहा है, तो फिर तो आप कम्युनिस्ट देश बना दिए ना, फिर क्यों आदमी क्यों मेहनत करेगा? कॉम्पिटेंसी की भावना रुकेगी, सिंपल सी बात है। रशिया का स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्यों है? क्योंकि बहुत ही उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया चीजों को, सरकार अपने चीजों के अंदर में ले ली, तो समाजवादी देश का लक्षण तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा विकेंद्रीकरण भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा समाजवादी के साथ साथ पूंजीवादी को मिला के हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा केंद्रीयकरण भी नहीं ठीक है, बहुत ज्यादा विकेंद्रीकरण भी नहीं ठीक है। अगर बहुत ज्यादा विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, लोग मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे। सरकार अगर मेहनत करेंगे, सारे पैसे को अपने अधीन लेकर लोगों में बांट देगी, और कोई आदमी कम मेहनत करेगा उसको भी उतना ही मिलेगा, कोई आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है फिर उसको भी उतना ही मिलेगा, तो फिर देश का विकास अवरुद्ध होगा कि नहीं होगा? क्यों करेगा? लोग क्यों एंटरप्रेन्योर बनेंगे, क्यों उधम करना सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, तो ये भी इसका एक निगेटिव सेंस भी है। चलिए, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के साथ स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करना, बालकों का सुकुमार, ठीक है, अवस्था का दुरुपयोग न हो, ये सारे के सारे 39 में। लेकिन इसके आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, सबका सब क्लोज हम लोग पढ़ेंगे, सब क्लोज में हमारा चीजें क्लियर होगी, ठीक है, आगे चल के दिया होगा सबका सब क्लोज। बालकों को स्वतंत्र गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास और अवसर का सुविधा प्रदान करना, बालकों के अल्पवय व्यक्तियों के शोषण में तथा नैतिकता के आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको शामिल किया गया था इसको, ठीक है, इस सारी चीजों को। 39 का क्या कहे? बहुत सुंदर आर्टिकल, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है, ठीक है, 39 की क में है, ठीक है, इसको भी शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसको शामिल किया गया था 39 को कह के, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, मतलब मान लिया आपने कोई काम कर दिया, सपोर्ट डेट मत कीजिएगा, ठीक है, लेकिन कर दिया बाय द वे, लेकिन भाई आपको तो विधिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत तो आपको सजा देने का प्रावधान है, लेकिन आप बोलोगे मेरे पास वकील है ही नहीं, हम कहां से करेंगे?
तो बहुत जगह पे सरकार के द्वारा, सरकारी सैलरी पे भी बहुत सारा वकील मिलता है, सरकार आपको अपने तरफ से वकील उपलब्ध कराएगी कानूनी सहायता के लिए, ठीक है। हालांकि वकील 90% केस हार जाता है, दूसरी बात है, लेकिन पूरी तरीके से मतलब सुविधा आपको दिया जाता है। किसमें है? निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, जो कि निःशुल्क है समान अवसर के आधार पर, ठीक है। किसमें सरकार है? सरकार अगर मान लीजिए वकील रखेगी तो वो अपने अनुसार रखेगी कि आदमी हम चाहेंगे उस वकील को रखेगी। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है सर। अपने वो अब हम चाहेंगे, आप बोले हम राम जेठमलानी को रखना, तो थोड़ी ना बोले कि सरकार से उसका 2 करोड़ फी को हम फिक्स करेंगे। सरकार अपने वकील को रखती है, ठीक है। सरकार के द्वारा अपना वकील होती है, आपको कोई भी वकील दिया जा सकता है, आप उसमें वो नहीं कहेंगे नहीं हम इससे। हाँ, बहुत ज्यादा मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा रीजन, तो बात बदलने के लिए वो कह सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे नहीं हमको राम जेठमलानी से केस लड़वाना है, ठीक है। चलिए 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों के संगठन करना, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने होती शक्ति और प्राधिकरण करना, ये आर्टिकल कई बार पूछा आप लोग का रटा हुआ होगा, ठीक है। कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, ठीक है, अशक्तता, मतलब आपके आपके किसी के ऊपर मतलब पूरी तरीके से मतलब आप डिपेंडेबल हो चुके हैं, आदि के दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। कार्य की न्याय संगत मानवीय दशाओं के प्रसूति सहायता, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, प्रसूति सहायता, ठीक है। कितना दिन का छुट्टी मिलता है? 6 महीना की, 9 महीना का, ठीक है ना, 180 दिन का है ना शायद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रसूति सहायता, ठीक है, 42 में, ठीक है। 43 में क्या है? तो कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योगों का विकास, 43 में। 43 के क में क्या है? तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, 82वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको भी 43 को शामिल किया गया। 43 के ख में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, सहकारी समितियों का उन्नयन, ठीक है, किस संविधानिक संशोधन के द्वारा अधिनियम बनाया गया? तो 97, ठीक है, 97 कब हुआ था? तो 2011 के द्वारा, ठीक है। आप 2011 चलेंगे नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को वो लागू खत्म करने का बोला गया था प्रयास, सर जिसको उसमें, क्या बोलता है, हाँ, बाकी यूसीसी संविधान बोलते का हैं, नौवा ठीक है, पार्ट हाँ। यूनिफाइड सिविल और कोड। 9 के ख, बिल्कुल 9 के ख, लेकिन 9 में क्या है? पंचायती राज है, अरे माइक इनका हो रहा है। 9 के क में क्या है? शहरी निकाय है। और 9 के ख में क्या है? देवियों सजनों, क्या है 9 के ख में? सहकारी समिति, ठीक सहकारी है। समितियां यूसीसी की बात के, कौन सा राज्य यूसीसी को लेकर नियम बनाने के पूरा अपना एक कवायदा जो है से तेज कर चुका है, उत्तराखंड कौन सा राज्य है? बिल्कुल उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे राज्यों में धीरे धीरे, असम ने भी बोला से यूसीसी को पहले यूके को लागू करने दीजिए, उत्तराखंड को लागू करें, हम देखेंगे, उसके बाद हम भी उसको लागू करेंगे, ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों गोवा को में है ना शिक्षा सर, एवं, गोवा में, गोवा में तो गोवा में बहुत है ना पहले से, हमने थोड़ी ना गोवा में लागू किया है, पुर्तगाली गोवा में हमने नहीं लागू किया, गोवा में तो बहुत पहले से, ठीक है, वो तो सिविल कोड पुर्तगाली लागू से, है सर वहाँ। पुर्तगाली से, हाँ, और ठीक सर है। सेकेंडरी चीजें हैं कि वहां पे कुछ बुरी चीजें भी हैं, जैसे सर बहुत ज्यादा बुरी बाइगेमी, चीजें हैं, बहुत वही ज्यादा बुरी पुरुष वहां चीजें वहां बाइगेमी पे, कर ठीक है। सकता है, महिला नहीं कर सकती हाँ पुरुष। हाँ महिला नहीं कर सकती है, तो भाई यूसीसी को हम लागू, गोवा वाला सिस्टम को थोड़ी ना लागू करेंगे। गोवा वाला सिस्टम में मतलब वो पूर्ति की, वो मतलब ईसाई धर्म को बहुत ही ज्यादा सेंट्रिट करके, सेंटर में रख के बनाया गया वहां का ईसाई मिशन, जैसे किसी वहां पे बनाया गया एक नियम वहां का बहुत खराब है, जैसे क्या था, हाँ, अगर मतलब सारा विवाह कोर्ट के द्वारा वैलिड होगा, लेकिन जो ईसाई धर्म के लोग वो मतलब चर्च में विवाह कर सकते, उसको भी मतलब रजिस्ट्रार को मतलब मान्यता देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी किसी भी धार्मिक विवाह को मतलब आई थिंक मानता नहीं है, लेकिन जो ईसाई धर्म से है उनको मान्यता दिया जाएगा। तो वो थोड़ा ईसाई धर्म को सेंटर में रख के बनाया गया है, पुर्तगालियों का समय का बना हुआ। पुर्तगाली लोग तो धर्म के मामले में बहुत ज्यादा कट्टर थे, ब्रिटिश से भी ज्यादा कट्टर थे धर्म के मामले में, तो उसको हम लोग नहीं, हम लोग अच्छी चीजों को देखेंगे वहां पे क्या है, और थोड़ा सा मतलब बहुत सोच समझ के चीजों को हम लोग का लागू करना है, क्योंकि हमारा जो देश जो है ना बहुत ही ज्यादा क्या नाजुक है, ठीक है, बहुत कम समय लोगों की मतलब क्या होती है वो चीज आहत हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं क्या बोलते हैं उसको, सेंटीमेंट्स हाँ ठीक है, सेंटीमेंट आहत हो जाता है, तो इसलिए बहुत बवाल होने वाला है यूसीसी को लेके, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से लागू करना पड़ेगा। पहले यूसीसी को लागू करने से पहले लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई साहब यूसीसी आपके लिए क्या सही है, लोगों के कॉन्फिडेंस में लेके अगर सरकार अगर इसको लागू करे तो सही है, नहीं तो देश का माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि यूसीसी के लोग बहुत सारे लोगों को, ठीक है, एक तो बोल रहा था कि अब बताइए सरकार यूसीसी को लागू करने जा रही है, अब क्या हम क्या पहनेंगे, कौन सा यूनिफॉर्म पहनेंगे, सरकार तय करेगी, ठीक है, मतलब बहुत लोग तो इसको यूनिफॉर्म से कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसी के सरकार यूनिफॉर्म पहनने के लिए मतलब लोगों सर को एक मतलब वो एक करेंगे, डाउट ठीक था, है। हाँ सर एक डाउट था कि देखो जैसे संविधान लागू हो गया अपना, नहीं क्या, तो संविधान लागू हो गया तो ये पूरा कायदे थे इनके, ये भी तो रद्द होना चाहिए था ना, ये अभी क्या भी रद्द होना चाहिए था, नहीं समझा?
जी गोवा में जो ये है ना, गोवा में जो जो अभी बोले पुर्तगाली कोड के अनुसार उनका चालू है नहीं क्या वो, तो जब हाँ हम तो तब तो संविधान हम संसद इसमें थोड़ी ना कुछ कर सकती है, इस सब्जेक्ट टू स्टेट, ठीक है, गोवा का विधानसभा चाहे तो इसके लिए कुछ करे, जी हाँ जी हाँ वो सब्जेक्ट स्टेट का है, स्टेट चाहेगी तो स्टेट को लग रहा है सही हो बना के रखी हुई है, अब संसद इसको चाहेगी पोस्टली थोड़ी ना लागू करेगी, अब इसे उत्तराखंड की सरकार कर रही है तो उत्तराखंड की सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, अब भारतीय संसद इसके संदर्भ में कुछ नहीं कर सकती, ठीक जी हाँ जी है। थैंक यू। चलिए आप चलेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य ने दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि में सामाजिक न्याय किसमें है, 46 में है, 47 में क्या है, बहुत सुंदर आर्टिकल्स है, लोगों के पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य माना जाएगा, मादक पेय एवं हानिकारक नशीले पदार्थों को सेवन का प्रतिषेध किया जाएगा, ठीक है, बिहार में शराबबंदी इसी के आधार पर किया गया है, ड्रग्स का सेवन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का ऐसे नाशक पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते हैं जो कि मतलब शरीर के लिए मतलब हानिकारक है, ये सारे के सारे 47 के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ गए, पूरा मतलब सबके सब इसी में आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसके तहत सारे चीजों को प्रतिबंधित, केवल शराब ही नहीं, ठीक है, वह हर हानिकारक चीज को मतलब प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि मतलब इसके आपके मानव जीवन के स्वास्थ्य कल को सर मतलब खुलेआम क्या बहुत ऐसे चीज मतलब बिकता प्रभावित है, करने की बोलते हैं कोशिश, प्रतिबंध है, खुलेआम खुलेआम बिकता है तो जेल भी तो जाता है ना, खुलेआम बिकने का मतलब क्या है, सब बीच सामने में वो नहीं वैलिड किया गया बिक है, ठीक सकते, है, गैर कानूनी काम गैर कानूनी है ना, वो है तो गैर कानूनी, ठीक है, जेल भी तो जाते हैं ना, बेचने का तो कुछ भी बेच बिकता सकते हैं, ठीक है, हत्या करने पे भी आर्टिकल 302 लगता है, लेकिन हत्या होता है कि नहीं होता है, ये थोड़ी ना कोई है। हत्या यस सर करना खुलेआम हो रहा है तो चलो वैलिड है, इसी के लिए तो न्यायपालिका व्यवस्था है, मतलब कानून जो बना उसको आप तोड़ेंगे तो न्यायपालिका क्या करेगी, बैठ के 5 लाख कितना सैलरी है मुख्य न्यायाधीश का, सैलरी कितना है, 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपया सैलरी है, केवल हाँ सैलरी लेगी कि उसका काम भी होगा, चलिए तनखा अस्सी आर्टिकल से, हजार हाँ 80 हजार, 2 लाख 80, दो अरे ये भी पूछता लाख है, अस्सी वो हजार वो तो तो उनका उनका है, है सीजेआई सीजीआई का है, सीजेआई का है। हाँ का 2 लाख है, अन्य का 2 लाख 50 है ना, चलिए आप चलेंगे 48 नंबर आर्टिकल्स भी बहुत सुंदर आर्टिकल्स है, कृषि तथा पशु, ये पूछा था ना अभी हाल फिलहाल में ये इस वाले एग्जाम में पशुपालन को लेके बिहार आपने एसआई हमें में, तीन चार दिया हुआ था और मिलान करना था, गलती कटी की सही की, सही किया, ये सब वेरी गुड, जो गलतियां। अब झूठ भी बोलेंगे तो क्या ही मुझे पता चलने वाला है, ठीक है, कृषि और पशुपालन संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना है, गाय एवं बछड़ों अन्य दुधारी एवं बाहक, ठीक है, पशुओं के नस्लों का, ठीक है, परिरक्षण और सुधार करना, उनके वध का प्रतिषेध करना, ठीक है, अभी बहुत सारे राज्यों में देखेंगे जहां बीजेपी की सरकार है तो सब जगह वहां पे मतलब गाय को मतलब क्या बोले गौ वध को मतलब वंचित प्रतिबंधित किया गया, तो आर्टिकल 48 के अनुसार ही, ठीक है, उसी में 48 क को बाद में शामिल कर दिया गया 1976 में, ठीक है, सब क्लोज वाला आर्टिकल जो होगा ना, ठीक है, उसको सब में बाद में शामिल किया गया, ठीक है, ध्यान रखे जो भी सब क्लोज होगा ना उसको लगभग बाद में शामिल किया, बाद में भी कब शामिल किया गया है, एगो को छोड़ इसमें के, ठीक है, एगो को छोड़ के सब 1976 में ही, ठीक है, बाद में, ठीक है, सबको शामिल किया गया, जो भी सब क्लोज वाला होगा, सब क्लोज वाला जो आर्टिकल सब जो है ना मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बाद में उसको किसी ने किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया, समझ रहे हैं ना, 48 के क में क्या है, पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं अन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको संविधान में शामिल किया गया है, ये बहुत सुंदर है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना 49 में, एक भारत का एक वायसराय आया था, ठीक है, उसको इन सब चीजों में बड़ा मतलब उसका ध्यान था, उसने भी इन सब चीज के लिए लेकर काम किया था, ठीक है, कौन वायसराय था जिसने मतलब सबसे पहले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण के लिए कदम उठाया था, क्या नाम था, क से नाम शुरू होता है उसका, कर्जन था सर, हाँ हाँ कर्जन कर्जन ने किया था, बिल्कुल ठीक है, कर्जन ने किया था, कर्जन ने सर, क्या सबसे स्थापना किया था इम्पोर्टेंट 1904 में, हाँ श्योर सर, कर्जन के रिफॉर्म की बात करते हैं सर, 1 मिनट में सारे रिफॉर्म्स, जैसे सर सबसे इम्पोर्टेंट तो हाँ उसका रेल बताइए, आया सबसे होगा, है पहले ना, तो जिसके 1899 में आया था कर्जन, और श्योर 1905 तक रहेगा कर्जन, ठीक है, तो सर, बताइए और रैले कब उसमें जो आया बड़े था, रैले कब आया था, जो कि विश्वविद्यालय अधिनियम संबंधी रैले, 1904 दो चार 1902 1904 रैले चार में आया रैले था, चार दो में में नहीं, फ्रेजर आयोग आया था, चार उन्नीस में सौ है दो में नहीं, रैले था सर, दो में, उल्टा बता दिए, उल्टा बता दिए, ठीक है, नहीं 1902 में फ्रेजर था वो भी सही है, 1902 में रैले था वो भी सही है,
1904 में कर्जन को विश्वविद्यालयों को लेकर कुछ आया था। रेले शुरू में भी था, 1904 में भी विश्वविद्यालयों को लेकर नहीं कुछ सर, था। वही तो कह रहा हूँ, हाँ रेले सर गठित हुआ था 2 में, लेकिन उसकी जो सिफारिश आई थी जिसके थ्रू वो विश्वविद्यालय को चार में टेंडर आया था, दिया गया वही था तो बोल रहा वो हूँ चार ना। में आया था। आप गठन बता रहे हो, ठीक है, गठन 1902, ठीक है, लेकिन इसके लिए ओके सर, विश्वविद्यालय अधिनियम जो पास हुआ था ना वो 1904 था, ठीक है। अरे फ्रेजर भाई जो भाई प्लीसिंग से तो था वो कब था, प्लीसिंग से कब था, 1902 था, 2 था सर। 1902 में सीआईडी का भी गठन हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका बिल्कुल मैनक्रिप जो था सिंचाई के लिए था वो कब था, मैनक्रिप सिंचाई के लिए, मैनक्रिप बनाया गया था मैनक्रीप सिंचाई के लिए वो कब था, 1901, 1901 हाँ सर बना, कंफर्म है। नहीं है सर, जिसने बताया है शायद वो कंफर्म करें ये बात। हाँ ठीक हो सकता है, ठीक है। एक और भी था, एक और भी इनके लिए बना था। हाँ, इसके राष्ट्रीय स्मारक के संरक्षण के लिए वो पुरातत्व तो विभाग की स्थापना करवाया था इसने, वो कब था, कर्जन के समय हाँ ही सर, हुआ और ये था। माना जाता है कि बिल्कुल सर, और ये माना कनिंगम जाता को है कि इसका हेड उसकी बना मेन दिया था जो, सर, कनिंगम को इसका हेड बना दिया था। बिल्कुल सर, वो हेडक्वार्टर सर कोलकाता रखा गया था, हाँ कलकत्ता आर्कियोलॉजिकल उसका है, सर्वे ऑफ इंडिया हाँ, उसको एएसआई बोर्ड। का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ कनिंगम को एएसआई का फादर भी कहते हैं। तो कर्जन था, ठीक है, उसने कुछ चीजें मतलब की थी, बहुत बढ़िया भी था, हालांकि बहुत साम्राज्यवादी किस्म का वो व्यक्ति था, ठीक है। चलिए 50 में क्या है, पृथक्करण है पृथक्करण है, किससे पृथक्करण है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से, अगर संसद में कोई कार्यवाही अगर चल रहा है तो क्या कार्यपालिका न्यायपालिका उस कार्यवाही को मतलब काउंटर कर सकती है, किसी भी तरह का उसमें इंटरफेयर कर सकती है, संसद के भवन के अंदर कोई कार्यवाही चल रहा है। नहीं। चले कार्रवाई तक तो छोड़िए, इसके अलावा किसी व्यक्ति ने कोई क्रिमिनल अपराध भी वो किया भी नहीं है कर सकता है, ठीक है। हाँ जो, उसपे भी वही सजा नहीं सर, दिया जा सकता है वो अगर। सत्य किसी शुरू होने पहले के किसी तब सर नीतीश कुमार बोले थे संसद में थी, मैं विधानसभा में, तो कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुआ। वैसे तो बाहर भी बोलता तो उसपे स्टेटमेंट पे कार्रवाई नहीं किया जा सकता है उतना भी। वो आपकी कोई क्रिमिनल ऑफेंस स्टेटमेंट थोड़ी ना बोला था वो, नहीं ना, सर वो मतलब केस सत्र, नहीं हो सकता था सर, वो ठीक है, 17 वो के पहले से। सामाजिक सामाजिक तौर पे स्वीकार्य नहीं था, ठीक है। लेकिन वही बात अगर अमेरिका में कहीं पे जाके बोलते तो ठीक है, सामाजिक तौर पे स्वीकार्य नहीं था। जो बार सामाजिक तौर पे स्वीकार्य नहीं होता क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता है ना। जी हाँ अगर संसद सर, में वो किसी सत संसद का सर फोड़ देते हैं ना तो बाहर पे जाके वो दूसरा संसद उसके खिलाफ केस नहीं कर सकता है, ठीक है। जो फैसला लेगा वहां पे कौन लेंगे, स्पीकर लेंगे, ठीक है। हो सकता है उनको प्रतिबंधित कर दे, कुछ भी कर दे, सस्पेंड कर, दूसरी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि संसद में, मान ले बीजेपी का कोई संसद कांग्रेस के संसद का सर फोड़ दिया तो बाहर में कांग्रेस का संसद जाके थाना में जाके एफआईआर कर देगा, वो नहीं होगा एफआईआर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऐसे में इसको दिवालिया पागल घोषित कर दिया जो भी करे लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जाए। मतलब कहते हैं लोक सेवाओं में कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथक करने के लिए आर्टिकल 50 डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। चलिए सर वो इसीलिए देखेंगे। 17 के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद है ना, मतलब कि 17 के 40 दिन पहले और 17 के बाद भी 40 दिन, ऐसा ही है ना कि 60 दिन है, वो डाउट था। एक मिनट, चालीस दिन है, ठीक है, 40 दिन है, 60 दिन नहीं, 40 दिन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, कौन सा आर्टिकल, 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की सर, अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत एवं न्यायपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता से निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का कार्य करना, ठीक है। विदेश नीति हुए तो आदर्श जो है ना, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का जो आदर्श जो किसमें दिखेगा, किसमें दिखेगा, 51 में दिखेगा, ठीक है, 51 में दिखेगा, ठीक है। अब चलते हैं, वर्तमान में एकमात्र राज्य गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, संविधान के अन्य भागों में नीति निर्देशक तत्व दिखाई पड़ते हैं, जैसे अनुच्छेद 335 क्या कहता है, तो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के संघ तथा राज्यों की सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में इनके दावों का प्रशासन की दस्ता बनाए रखने की संगति अनुसार ध्यान रखा जाएगा। मान लीजिए कोई वैकेंसी वगैरह कुछ भी निकलता है तो उसमें देखेंगे से भाई साहब इनमें अनुसूचित जाति जनजाति का भी मतलब क्या होना चाहिए, सहभागिता होने के लिए, इसलिए उनके लिए कुछ सीट वगैरह को रिजर्व कर देंगे, ठीक है। 350 के कौम में क्या है, तो भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक का डेफिनेशन क्या है, क्या धार्मिक अल्पसंख्यक है, भाषाई अल्पसंख्यक है, या फिर क्या है, भाषा के आधार पर भाषाई ना, होता है ना भाषा के, धार्मिक और भी है, ठीक है, भाषाई और क्या बोलते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक के अलावा एक और भी क्षेत्रीय, अल्पसंख्यक, धार्मिक नहीं है, क्षेत्रीय भी होता है, क्षेत्रीय नहीं, भी क्षेत्रीय होता नहीं, है। अरे क्या बोलते हैं उसको, भाषाई और एक और भी अल्पसंख्यक है, धार्मिक नहीं है, भाषाई के अलावा एक और भी, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। हाँ सर मुस्लिम सब सर कैसे है सर? तो भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होता हमारे यहाँ, धार्मिक उर्दू, अल्पसंख्यक उर्दू नहीं से है, अल्पसंख्यक में बता दे रहा हूँ क्या होता है, ठीक है।
बता दे रहा हूँ क्या होता जनसंख्या पे शायद होते है। नहीं, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। हैं। सर हिंदू अगर मान लीजिए उर्दू बोलेगा तो भी भाषा ही में चला जाएगा अल्पसंख्यक में, अगर धार्मिक नहीं है तो। मुस्लिम है तब ना मुस्लिम जाएगा। धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं कहते हमारे यहाँ, बता तो रहा हूँ। ठीक है, तो भाषाई में मतलब मुस्लिम ही क्यों आएगा आखिर अगर धार्मिक नहीं है तो। अब ये हम नहीं कह सकते, लेकिन भाषाई अल्पसंख्यक नहीं है। अगर हिंदू कोई मान लीजिए उर्दू बोलता है तो भी चला जाएगा उसमें। नहीं, वो दूसरा, उसका डिफिनेशन दूसरा है, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़े कि सर मुस्लिम सब सर मतलब उर्दू ही सब कोई बोलता है या जानता है। संविधान में जो शब्द जो प्रयोग हुआ है ना सर, मेरे यहाँ से धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है। अगर है तो सर मैं गलत हो रहा हूँ, बताइए। लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द तो सर संविधान में नहीं प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कीजिएगा जरा गूगल से, बताइए। तो शायद नहीं शब्द प्रयोग हुआ है, अगर हुआ होगा तो शायद मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, 351 क्या कहता है? संघ का कर्तव्य कि हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार करवाए और उसका मतलब विकास करे। ठीक है, लेकिन राज्यों को अपनी, ठीक है, अपनी भाषा को मानने का अधिकार है, लेकिन राज्यों को उससे ये उम्मीद किया जाता है तो हिंदी भाषा को मतलब क्या करे, प्रभावी बनाए, लेकिन राज्य ऐसा नहीं ही करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अपने अपने भाषा को बढ़ावा दी। आप जो सबसे इंपोर्टेंट जो आर्टिकल, जो गांधी जी के विचार था, देश के प्रत्येक नागरिक के आंखों से मतलब क्या करना है, आंसू को पोंछ देना है, इसलिए राम राज, ठीक है, राम राज स्थापना करने की गांधी जी की विचार था। ठीक है, गांधी जी किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये गांधीवादी तत्व आपको किस किस आर्टिकल्स में दिख जाएगा, क्या क्या बताएंगे? 40 में, 40 43 का, में, 43 43 के ख का, में, 47 में, 48 में। ठीक छियालीस है, अब इसको याद करने का क्या तरीका है? गांधी जी गांव के बहुत बड़ा समय, गांधी जी ने कहा था भारत की आत्मा कहाँ बैठती है, शहरों में बसती है कि गांव में बसती है? गांव में, मेरे गांव में हिसाब से बसती है। गांव में बसती थी। दो तीन याद कर, गांधी जी ने आप देखेंगे बहुत ही आवाज बारे कट, मतलब क्या था, आपको याद, आवाज कट रहा है? आ रही है सर आवाज इसमें कट रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा आ अब रही है थोड़ा ठीक थोड़ा। ठीक है, है। गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी जो थे, ठीक है, गांधी जी जो थे आप ध्यान में रखिएगा, शराबबंदी के बहुत बड़े विरोधी थे। एक बार गांधी जी जब यहाँ पे चला, असहयोग जब चला रहे थे, तो गांधी जी ने शराबबंदी को इतने मतलब बुरे लोगों को इतना प्रभावित किया, से बाद में शराब की बिक्री एकदम ठप हो गई थी। तो अंग्रेज सरकार ने एक मतलब लेटर पंपलेट जारी किया, जिसमें उसने बताया था, देखो तुम लोग शराब नहीं पीते, लेकिन नेपोलियन शराब पीता था। ठीक है, विलियम शेक्सपियर शराब पीता था। ठीक है, उसके बाद विलियम शेक्सपियर के नाम बताया, चार पांच को बड़े बड़े महान लोगों का नाम बताया जो कि मतलब शराब पीता था। ठीक है, इतने महान लोग जो शराब पीते हैं, तो तुम गांधी के कहने पर शराब नहीं पी रहे हो, अरे इतना अधिक शराब का बिक्री मतलब गिर गया था। तो 47 गांधी जी इसके विरोधी हो, गांधी जी विरोधी थे शराबबंदी का, इसलिए डीपीएसपी में इसको शामिल किया गया। अनुच्छेद 40 को शामिल किया गया। 43 में क्या है, गांधी जी की बात करेंगे तो सभी कामगारों के लिए, ठीक है, निरोग योग्य मजदूरी, उचित मजदूरी के समर्थक, इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 48 में बात करें, गांधी जी देखिए पशु के बहुत बड़े समर्थक थे, उनके वहां पे जो उनका जो भी क्या था वो आश्रम वगैरह था, उसमें देखे बकरी वगैरह ये सब था, बकरी वगैरह हमेशा उनको साथ। 48 भी गांधीवादी आर्टिकल। ठीक है, 46 में क्या, 46 में, 46 में क्या है, 46 में बिल्कुल, राज्य जो है सब, राज्य की बात करेंगे, समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक, शैक्षणिक और आर्थिक, विशेष रूप से बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ध्यान में रख के, मतलब उनके शोषण को, शोषण उनका ना हो, इसलिए मतलब इस तरह का मतलब चीजों का प्रावधान करेगा, और किसमें, 46 में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 43 में क्या आपने बताया है, 43 में तो निर्वाह योग्य मजदूरी देने का काम मतलब राज्य करेगी। ठीक है, 43 के ख में क्या है, तो क्या बताएंगे, 43 के ख में, बी में क्या है बताइए, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, मुख्यतः कुटीर उद्योग जो वगैरह जो आता है ना, सरकारी समिति कुटीर उद्योग वगैरह जो सहकारी चीज सब जो आता है इसी में आता है। ठीक है, तो ये 40, 43, 46, 47 और 48, 40 है 3, 43, 43 है 3, 46, उसके बाद कोई ट्रिक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, 40, 43, 43 के ख, 46, 47 और 48 जो है गांधीवादी आर्टिकल से। दो तीन ट्रिक तो हमको बता दिया, गांधीवादी ग्राम के समर्थक थे, गांधी जी शराबबंदी के खिलाफ थे, गांधी जी पशु को प्रिय थे, तो गांधी जी को पशु प्रिय थे, गांधी जी को ध्यान में रखें। समर्थक 48, 47, 40, ये तीन तो ऐसे ही याद रखेगा, 43 के और 43 का ख याद रखे। ठीक है, अब 46 याद रखिए, गांधीवादी आर्टिकल्स है। ठीक है, अब ध्यान में रखिए, जो गांधीवादी आर्टिकल्स है वो समाजवादी आर्टिकल्स भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं है जो गांधीवादी आर्टिकल समाजवादी आर्टिकल्स नहीं हो सकता है।
जो गांधीवादी आर्टिकल्स हो, समाजवादी आर्टिकल्स हो जाएगा, क्योंकि समाज के फेवर में है। ध्यान रखें, जैसे कुछ गांधीवादी आर्टिकल समाजवादी आर्टिकल से, जैसे किसे 43 43 के क और मतलब 43 और 47, ठीक है, गांधीवादी आर्टिकल से, लेकिन समाजवादी भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उदारवादी आर्टिकल्स क्या है, जैसे लिबरल संविधान, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन वाले, सभी लोगों को मतलब समान नागरिक संहिता देंगे, सभी के लिए समान कानून बनाएंगे, कार्यपालिका को न्यायपालिका से मतलब क्या करेंगे 50 में बाहर कर देंगे, ठीक है, ध्यान में अलग रखेंगे, ठीक है। 51 में क्या था, 51 में, ठीक है, 51 में क्या अंतर्राष्ट्रीय था, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। शांति, बिल्कुल ठीक है, उसको बात करेंगे। ये सब 48 में क्या था, 48 में क्या था, 48 पर्यावरण की बात करेंगे, ये सब इसमें आ जाएगा। 45 में क्या, बालकों की शिक्षा की बात करेंगे, तो इस सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वो समाज उदारवादी है। गांधीवादी आप याद रखो, गांधीवादी से पूछा जाता 3 4 आर्टिकल्स दे देंगे, बोलेंगे इसमें बताओ इसमें गांधीवादी आर्टिकल्स कौन है, तो आप उसको अंडरलाइन करके आंसर सही कर लेना, ठीक है। चलिए आप चलते हैं मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य की बात करें, क्या मूल कर्तव्य को अगर आप पालन नहीं करते तो क्या आपको सजा दिया जा सकता है, बोला जा सकता है कि आपने इसको पालन नहीं किया, आपको सजा का प्रावधान किया जाएगा? नहीं, ध्यान में रखेंगे, नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मूल कर्तव्य को पालन करने के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किसी भी तरह का न करने के लिए सजा का प्रावधान नहीं है। आप बोलोगे सर मूल कर्तव्य क्या संविधान का मूल भाग था, मूल अंग है कि नहीं, मूल कर्तव्य संविधान का मूल अंग नहीं है, नहीं है, बाद में ठीक है, जोड़ा ध्यान में गया, बाद में रखेंगे। जोड़ा गया इसको। कौन सी समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया, स्वर्ण समिति, स्वर्ण स्वर्ण सिंह सिंह समिति, समिति कब आई थी, 1976 में ना, समिति 42वां सिंह, 42वां 42वां समिति संविधान संशोधन के 42 तक तहत। स्वर्ण सिंह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, स्वर्ण सिंह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, स्वर्ण समिति के बिल्कुल बारे में कोई नहीं बताता है ठीक है, ध्यान, सर। क्या क्या बताता है, एवेल्युएट करने के लिए बोला गया था कि हमारे यहाँ जो पीएम हेड होते हैं या राष्ट्रपति शासन को, इस तरीके से कि राष्ट्रपति को मजबूत करना चाहिए। और सेकेंडरी से ये बोला गया था कि जो हमारी सर एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, जो जिनको हम बोलते हैं कि जो ना राज्य सूची में है, ना संवर्ती सूची में है, ना केंद्र सूची में है, वो जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो केंद्र को देना चाहिए कि राज्य को देना ठीक चाहिए, तो उसको लेके भी सर इन्होंने सिफारिश करी थी। हमारे पास किसके पास होता बताइए, केंद्र केंद्र के पास कहाँ से लिया गया शक्ति, ये कनाडा से। बात कर भारत में लंबे समय तक सर्व करने वाला, ठीक है, हाईएस्ट सर्विंग मतलब बात करेंगे, ठीक है, हाईएस्ट सर्विंग मतलब कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे, मिनिस्टर कौन है भारत के, क्या बात है, क्या जवाब दिया आपने, ठीक है, स्वर्ण सिंह है, ठीक है, स्वर्ण सिंह की बात करेंगे, देखिए कुछ आए मेरे क्लास में, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति 1976 में आई, देश के स्वर्ण सिंह रक्षा मंत्री रहे हैं, स्वर्ण सिंह देश के विदेश मंत्री रहा है, स्वर्ण सिंह देश के कृषि मंत्री रहा है, स्वर्ण सिंह देश के रेल मंत्री रहा है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, स्वर्ण सिंह पंजाब से आते थे और बहुत ही बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, ठीक है, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, कृषि मंत्री, सब पद पे कार्यरत रहे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रक्षा मंत्री की बात करेंगे, इंदिरा गांधी के शासनकाल में देश का रक्षा मंत्री कौन थे, देश के रक्षा मंत्री स्वर्णकाल ही थे, ठीक है, जिस समय देश में इमरजेंसी लगा उस समय रक्षा मंत्री कौन थे, तो उस समय भी आई थिंक स्वर्ण सिंह ही थे देश के रक्षा मंत्री, ठीक है, 75 में तो शायद बने थे तो यही रहे होंगे, ठीक है, समझ गया, तो चलिए, तो ये सारे के सारे स्वर्ण सिंह कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, ठीक है, ध्यान रखना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना से, मतलब 1957 में बलवंत राय मेहता समिति को बनाया, तो बलवंत राय मेहता जो थे गुजरात के मतलब मुख्यमंत्री थे, ठीक है, मंडल कमीशन पढ़ते, बीपी मंडल, बिंदुसरी प्रसाद मंडल की बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री थे, ये सब नेता भी रहे, ठीक है, ये सभी प्रश्न आप कभी कभी, ये सब अनदेखा प्रश्न है, कभी कभी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बैक टू आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पे आते हैं, किस आर्टिकल्स में है फंडामेंटल ड्यूटीज, 51 के क में, देखिए झलक जाता है, ठीक है, झलक कैसे जाएगा, जब भी सबको लगेगा ना तो समझिएगा हो ना हो, ठीक है, 99% केस में तो सही होता है, उसको बाद में ही शामिल किया गया, ठीक है, सब क्लोज लगने का मतलब क्या है, जो कहीं ना कहीं से बाद में घुसा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 51 के ए में है, और बात करेंगे यहाँ पे बाद भाग की बात करें, भाग किस में है क्या बताएंगे,
फोर का ए। इसमें बिल्कुल भाग की बात करेंगे तो भाग किसमें तो ध्यान में रखिएगा, तो 4K A में आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। चलिए, शामिल कब किया गया था आपने बता ही दिया, तो 1976 द्वारा भाग क के अंतः स्थापित किया गया। इसमें 51 का अंतः स्थापित करके कितने मूल कर्तव्य जुड़े गए शुरू में, लेकिन देवी सज्जनों अगर बात करेंगे हमारे जो ये स्वर्ण सिंह समिति, उनमें कितने मूल कर्तव्यों का मतलब वो बोला था भाई साहब इतना रहना चाहिए, कितने बोले थे, 8, 10, 12, 14, 20, कितने, आठ आठ दस थे ना, आठ थे। आठ, इन्होंने आठ बताया था, ठीक है, कितने, आठ, आठ, ठीक है। ध्यान, मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जैसे कि डीपीएसपी नहीं है उसी तरह नहीं है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। 11वां नंबर का कौन सा है, शिक्षा का छियासीवां अधिकार, संविधान संशोधन ठीक 2002 है। में। मतलब सभी लोगों को, मतलब क्या, मतलब जो भी आपके अभिभावक होंगे, जो भी आपको पेरेंट्स होंगे, तो उनको आपको क्या करवाना है, क्या करवाना है, पशुपालन करवाना है या फिर शिक्षा कर दिलवाना है आपको, शिक्षा शिक्षा देना। दिलवाना है। लेकिन प्राय उनके द्वारा क्या धमकी दी जाती है, नहीं पढ़ो लिखोगे तो क्या कर, क्या खरीद देंगे, वही चढ़ाना, शादी ठीक कर है, दी। शादी कर देंगे। हाँ वो बेटा, शादी बच्चा में थोड़ी ना करते हैं, अब बच्चा में तो बोलते से नहीं खरीदोगे तो भैंस बकरी खरीद देंगे जाके चढ़ाना, हमारे यहाँ तो यही बोला जाता था, ठीक है। 51 का के अनुसार भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या है, कि वो भारत का संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्था राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगण का आदर करे, ठीक है, नेशनल एंथम का आदर करे, ठीक है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे तो ये कहा गया, लेकिन क्या इसमें अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का आदर नहीं करता है तो क्या उसको कूट देंगे या फिर उसको जाके पुलिस सजा दे सकती है क्या, नहीं, नहीं दे सकती है, ठीक है। केस आया था विजय विजय एमानुअल वर्सेस केरल राज्य वाला केस था, ठीक है। वहां पे वो व्यक्ति जो था ईसाई का एक, ईसाई धर्म का एक मतलब एक होता है, ठीक है, क्या बोलता है, ईसाई धर्म का एक सब रिलीजन होता है, उससे वो मतलब संपर्क था। वहां पे राष्ट्रगान चल रहा था, नेशनल एंथम, लेकिन उस बालक ने, ठीक है, नेशनल एंथम में खड़े होने से इनकार कर दिया। स्कूल प्रशासन को पता चला, स्कूल प्रशासन ने उसको मतलब स्कूल से निकाल दिया। बात गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जस्टिफाई किया, से भाई साहब राष्ट्रगान ना मानना, अगर उसके धर्म में नहीं लिखा हुआ है तो उसका आप डीपी मूल्य कर्तव्य को मतलब लागू कराने के लिए आप फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं, आप उसके आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। किसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उसने मतलब जो बात, भाई साहब हमारे धर्म में, ठीक है, राष्ट्रगान या फिर नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, हम लोग किसी नेशन को नहीं मानते, किसी धर्म की किसी राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, इन सब चीजों का पालन हम लोग नहीं करते, ठीक है। हाल फिलहाल में इसी धर्म से संबंधित केरल में भी कुछ दिन पहले विस्फोट हुआ था, ठीक है, उसी धर्म से संबंधित केस था, एमानुअल विजय वर्सेस, ठीक है, केरल राज्य का केस, ठीक है। वहां पे बहुत अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया से बच्चे को मतलब क्या किया जाए, स्कूल में फिर से वापस लिया जाए, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उस आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी को, नेहरू जी को हमेशा क्या करते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो वो सब नहीं करना है। आप मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके उन्होंने उन्होंने देश के लिए जो मतलब किया है उसको हृदय में संजो के रखना है, ठीक है, एकदम दिल में बसा के सर, रखना है जो और नहीं उनका पढ़ा सम्मान भी होता है ना करना है। संविधान सर, वही सर मतलब महात्मा गांधी जी के बारे में बुरा बोलता है, जो पढ़ा होता है वो नहीं बोलता है। सही बात है, ठीक है, तो इसीलिए सभी लोग पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, और सबसे अच्छी बात है अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, शिक्षा मुफ्त मिल रही है, इतने अच्छा से मिल रही है, इसमें 90% लोग जो आराम से बिस्तर में बैठे होंगे एकदम एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ठीक है सर, तो चलिए। आपसे रिक्वेस्ट है एक, ठीक है सर, हेलो, बोले हैं कि सर इसमें लिखा है कि सर बीपीएससी का भी है सर, तो सर मेंस सर कब लिखवाइएगा सर, थोड़ा ठीक रहेगा लिखवाइएगा। अभी मेंस के लिए 100 टॉपिक मैंने चुना ना, 2 टॉपिक मेंस का निकल गया, रात में G20 निकला है, इससे पहले क्या निकला था भूल गया मैं, क्या निकला था ग्लोबल, क्या था वो यार, बायोडीजल के बारे में कुछ था, वो मैंने पढ़ाया था, 2 टॉपिक मेंस का निकला है, बाकी 100 टॉपिक आपका बाकी है, अभी करंट का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। जैसे 100 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 3-4 महीना पहले आप लोग को मेंस से राइटिंग प्रभाव कर देंगे, क्योंकि डेली क्वेश्चन आपको मिलेगा मेंस को लिखने के लिए, ठीक है। अभी सिखा रहे हैं सबको, पढ़ना कहाँ लिखना कहाँ से, जब तक फ्रेम राइटिंग करना नहीं सीखेंगे तो डायरेक्टली आपको दे देंगे तो कहाँ से लिखेंगे, ठीक है, तभी वो सिखा रहे हैं, ठीक है। भारत की बात है संप्रभुता, भारत क्या एक संप्रभु नेशन है, ठीक है। राष्ट्र तो बहुत होता है, ठीक है, राष्ट्र तो बोलेंगे भाई साहब पाकिस्तान भी राष्ट्र है, लेकिन पाकिस्तान क्या संप्रभु है, नहीं है, चाइना का एक वहां पे पूरा प्रांत कब्जा कर रखा है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, लेकिन भारत क्या संप्रभु है, भारत में भारत सरकार की जो चीजें सब कुछ है, अपना है सब कुछ, ठीक है,
किसी भी राष्ट्र में किसी दूसरे देश के द्वारा अधिकार कर लिया गया, इसका छोटे क्षेत्र पे करे या फिर बड़े क्षेत्र पे करे, संप्रभु के डिफिनेशन को पूरा नहीं करता है। भारत की अपनी सार्वभौम नीति है, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे, ठीक है। ये भी हमारा कर्तव्य है, देश की रक्षा करना है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करना है। जब आपकी आवश्यकता होगा, बुलाया जाएगा आपको, देश में कोई आपदा आ जाए, कहीं पे भूकंप आ जाए, कहीं पे मतलब कुछ आ जाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन वैसे परिस्थिति में अगर हमारा फोर्स कम पड़ जाता है, मैन पावर कम पड़ जाती है, तो आपको ऐसे कंडीशन में बुलाया जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको युद्ध करने के लिए भी आपको बुलाया जाए, तो आपको वैसे कंडीशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। वो आपका कर्तव्य होगा, लेकिन आप मना भी कर सकते हो जाने से, ठीक है, समझ रहे हैं ना। भारत के सभी लोग हार्मोनी और सभा भातित्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का प्रत्याग कर जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो सबसे पहले हमको ऐसी सारी प्रथाओं को त्याग करना जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जैसे प्रदा प्रथा हो गया, ठीक है, महिलाओं का मतलब क्या बाल विवाह प्रथा, बहुत सारी प्रथा है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, सती प्रथा हो गया, सारे प्रथाओं को मतलब क्या करना, परित्याग करना है। हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, हमारा आपसी सद्भाव की भी भावना को मतलब क्या करना, विकास करना है, ठीक है। उसके और बात करें, जैसे किसी बहुत सारे लोग मतलब जैसे कोई नागालैंड के लोग को, ठीक है, मणिपुर के लोगों को चाइनीज चाइनीज कहना शुरू कर देते हैं, तो क्या है, आप देश की संप्रभुता को मतलब क्या कर रहे, विकास को मतलब क्या कर रहे हैं, उसको मतलब हनन कर रहे हैं, ठीक है। उस व्यक्ति के प्रति भारत की अखंडता को लेकर मन में क्या है, तो मन में उनके ना दुर्भावना पैदा हो रहा है, ठीक है। सारे हमको अपने ही देश में मतलब क्या दुर्बल दर्जे की नागरिक समझा जाता है, हमको चीनी कहा जाता है, तो हमें कुछ कहा जाता है, ऐसे चीजों को नहीं करना है, ठीक है। दूसरे धर्म के प्रति भी हमको सम्मान रखना, अपने धर्म को हमेशा उससे ऊपर रखने की कोशिश नहीं करना है, ताकि हमारे कॉमन ब्रदरहुड के मतलब समान भातित्व का विकास हो, ठीक है। ये ना हो कि मतलब उनको मतलब क्या हो, उनको मतलब गलत मैसेज जाए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन सारे चीज को आपका कर्तव्य बनता है, आपका हार्मोनी बनता है, किसी भी तरह का ऐसा शब्दों का प्रयोग ना करें जो कि नेशनल हार्मोनी को मतलब चोट पहुंचे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी ना बहुत ही मतलब ना क्या भड़काऊ भाषण दे देता है, भड़काऊ भाषण एक आदमी के देने की वजह से क्या होता है, दंगा फसाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी बात नहीं बोलना है जो कि हार्मोनी को मतलब क्या करे, खराब करे, ठीक है। हमारी संस्कृति कैसी, सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर है। कंपोजिट कल्चर की बात करेंगे तो ध्यान में रखें, हमारे कल्चर में सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। जैसे बोलते हैं गंगा जामुनी तहजीब शब्द का प्रयोग होता है, जिसके इस्लामिक कल्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर नाम का शब्द होता है, बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह, बहुत कुछ इंडो इस्लामिक कल्चर के, तो हमारा कल्चर सबसे मिला हुआ है, ईसाई हो गया, हिंदू हो गए, ठीक है, सिख हो गए, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबका मिला हुआ कंपोजिट कल्चर हमारे यहाँ देखने को मिलता है। ये परंपरा बरसों से चली आ रही है, तो इस परंपरा को हमको क्या करना है, बना के रखना है, गौरवशाली परंपरा को बना के रखना है। कोई भी लोग अगर इसका अगर मतलब गलत करते, चाहे इस्लाम धर्म से हो, किसी भी रिलीजन से संबंधित हो, तो वो गलत है, ठीक है, ध्यान रखिए। सबका कर्तव्य बनता है उस चीज को मतलब मेंटेन करके रखना है, ठीक है। पर्यावरण प्रकृति की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ठीक है। प्राणी मात्र के प्रति, कुछ लोग मतलब क्या करें, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश का घटना था, एक पागल आदमी था, उसने क्या कुत्ता को उठाकर मतलब नदी में फेंक दिया, ठीक है। कोई पागल से मिलता बिना मतलब है कि मतलब कुत्ता वगैरह किसी किसी को मारते रहता है, ठीक है, किसी को भी मार दिया। अरे भाई वो तो मतलब क्या बोल नहीं सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे भारत सरकार सांप के प्रति भी देखिएगा कितना अधिक मतलब संचय है, खतरनाक से खतरनाक जानवर को भी मतलब भारत सरकार क्या कर रही है, उसको मतलब क्या कर रही है, उनका मतलब संवर्धन को लेकर काम कर रही है, उसको कंजर्व करने की कोशिश मतलब कर रही है, ठीक है। तो वो तो समझ नहीं है, तो हमको मतलब क्या, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी प्राणी मात्र है, जो मतलब अमुख है, जो बोल नहीं सकते, उनके प्रति हम अपना दया भाव बना कर रखें, ठीक है। वन की रक्षा करेंगे, ठीक है, नदी की रक्षा करेंगे, झील की रक्षा करेंगे, सबका, ठीक है। लेकिन देवियों से कुछ लोग क्या करने लगते हैं, तो कुछ लोग जाके क्या करते हैं, नदी में जाके कूचड़ा कचरा डालने लगते हैं, वो सवेरे सवेरे उठेंगे नहीं, ठीक है, जिस समय कचरा वाला होता है किसी भी समय जाएंगे, जाके नदी में जाके कचरा डालना शुरू कर देंगे, झील की स्थिति खराब होती है। इन सबको मतलब साफ सुथरा रखना हमारा कार्यक्रम, हमारा मतलब जिम्मेवार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन का सुधार की भावना और विकास करें, ये भी हमारा कर्तव्य। ऐसा नहीं कि खा पी के आराम से जाके सो गए, अगर आप खा पी के कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर, बहुत दिन से बेगारी करके बैठे हुए हो, तो वो भी आप देश की जनसंख्या का आप हिस्सा हो, ठीक है, देश का आप नुकसान कर रहे हो, देश की पर कैपिटा इनकम अगर खराब है तो आपकी वजह से खराब है। अगर मान लीजिए देश का इनकम, अगर पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जो भी मतलब टोटल इनकम होता है देश की जनसंख्या से, उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, लेकिन देश की जनसंख्या को डिवाइड करेंगे टोटल इनकम, आप तो अर्जन तो कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन पैसा तो आपके माथा पे भी तो बैठ रहा है ना, लेकिन आप अर्जन करके अगर नहीं दे रहे हो, तो उससे मतलब क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण
के साथ साथ ठीक है देश की मतलब आर्थिक नीति भी आपके वजह से प्रभावित हो रही है। ऐसे कंडीशन वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का भी विकास करना है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहे। लेकिन सबसे पहले जब हिंसा होती है तो लोग मतलब क्या करते हैं, सरकारी भवन को, बॉस को, ये सबको जलाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब नहीं करना, सार्वजनिक संपत्ति है, सरकार को क्या है, आपने नुकसान पहुंचा, सरकार क्या करेगी, आलू पे 1 रुपया बढ़ा देगी, ठीक है, सिलेंडर पे 4 रुपया बढ़ा देगी, ठीक है, आपसे ही वसूल लेगी, आपको ही देना पड़ेगा, ठीक है, सरकार कभी थोड़ी नुकसान में रहती है। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना हमारा कर्तव्य है। व्यक्तिगत और समूह गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र मतलब नियंत्रण बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि को ऊंचाई को छू सके, ठीक है। हमको हमेशा अपने विकास इस प्रकार से करना है जो राष्ट्र हमारा क्या रहे, आगे बढ़ते रहे, ठीक है। जो माता पिता या फिर संरक्षक हो, माता पिता अगर नहीं भी है तो जो संरक्षक है, ठीक है, वो मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के यथास्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिलायक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करेगा, जो कि 86वां संविधान संशोधन कब है तो ध्यान रखेंगे 2002 के द्वारा मतलब इसको शामिल किया गया, ठीक है। ये क्या है तो मौलिक कर्तव्य भी है, मौलिक अधिकार भी है, और नीति निर्देशक सिद्धांत में भी शामिल किया गया 45 में नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है, 21 के क में, ठीक है, और साथ में 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार है। तो इसको बहुत ही मतलब अच्छे से मतलब इनको शामिल किया गया, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे तो कल हम लोग संघ पढ़ेंगे, ठीक है, 52 से लेके 151 तक के आर्टिकल्स को कल संघ के रूप में हम लोग देखेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कल इसी भी तरह से सभी लोग आइएगा।